ध्यान से रखूं। तो अध्याय सात जो है वो मानवीय व्यवहार है। तो व्यवहार के लौकिक एवं पारलौकिक दो भेद जो अनुभूति के रूप में यहाँ पर चर्चा है ना। अनुभूति का मतलब होता है जो गोल निशान लगा है ना वो अनुभूतियां हैं, और जो चार बिंदु रखे हुए हैं वो परिभाषाएं हैं। तो अनुभूतियों और परिभाषाओं को यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ अनुभूति के रूप में जो अनुभव हुआ है बाबा जी को मध्य दर्शन साहित्य में जो उनको अनुभव हुआ है उसमें उन्होंने व्यवहार को दो रूप से कहा है। तो व्यवहार के लौकिक एवं पारलौकिक दो भेद है। अब लौकिक को जब वो परिभाषा जब लौकिक की अनुभूति क्या है, अनुभूति में उन्होंने लौकिकता को कैसे पहचाना है, तो कहते हैं कि भ्रमित मानव में कार्य व्यवहार चार विषयों में ग्रसित रहना पाया गया है। भ्रमित कार्य व्यवहार प्रवृत्ति ही लोक आसक्ति है या लोक व्यवहार है ना, लोक आसक्ति है ना, आसक्ति है। तो विषय चतुष्टय जो है आहार निद्रा भय मैथुन यह लौकिक व्यवहार है। जागृत मानव में एषणा त्रय व्यवहार है। इसका तात्पर्य धरती पर व्यवस्था में भागीदारी अनुभव मूलक विधि से जीना आलोकित रहना प्रकाशित करने से है। तो यहाँ पर ये जो स्टार का चिन्ह लगा है ये जो है ये संबंधों का स्पष्टीकरण है ना। तो जो लौकिक व्यवहार में जो विषय और एषणा ये जो है इसके इसको लौकिक व्यवहार कहा गया है। तो ये जो लौकिक व्यवहार है तो इसमें जो विषय चातुष्ट है ना तो उसको उन्होंने आसक्ति के रूप में कहा है। हालांकि जागृत मानव में भी विषय चातुष्ट रहता ही है और इच्छाएं रहती ही हैं। तो जब वो आसक्ति से मुक्त होकर के एषणा के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है तो आसक्तियां खत्म हो जाती हैं और विषय जो है वो वरीयता में नहीं रहते हैं, एषणाएं जो है वो वरीयता में रहती है। तो एषणा त्रय जो है पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा है जिसको हम लोग समझते हैं, जन बल कामना धन बल कामना और यश बल कामना है ना, इसको एषणा कहा है। तो एषणा त्रय के साथ और विषय चार विषयों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो लौकिक व्यवहार है, और एषणा से पारलौकिक व्यवहार को जब अनुभूति के रूप में इसमें रखा गया है कहा गया है तो अनुभव मूलक प्रमाण सहित जीना उसको पारलौकिक व्यवहार किया है। अनुभव के बाद ही मनुष्य पारलौकिक व्यवहार को प्रमाणित कर पाता है जिसको आदरणीय बाबा जी ने अपने दर्शन वाद शास्त्र में भाषा के रूप में परिभाषा के रूप में रखा है, प्रक्रिया और विधि के रूप में रखा है, और हम लोग ने उनके साथ रह करके भी देखा है कि उन्होंने अपने आचरण से भी उसको प्रमाणित किया है। तो ये संस्कृति सभ्यता और विधि व्यवस्था चारों आयामों में जो है ये दर्शन के जो लौकिक और पारलौकिक व्यवहार है उससे ये चारों आयाम उसके पूर्ण होते हैं। तो अनुभव के साथ ही अनुभव में जो सहस्य है वही विधि है, उस विधि से प्रस्तुत होना जो है वो पारलौकिक व्यवहार है, और यह व्यवहार जो है ईश्वरों से मुक्त होता है जो दिव्य मानव का क्रियाकलाप है। अगला जो सूत्र है जिसको उसमें जो कहा गया है कि जो जिसको लक्ष्य मानता है वह उसको पाने के लिए प्रयासरत रहता है। मानवीय लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय और सह अस्तित्व है। तो जो जिसको लक्ष्य मानता है जैसे जीवन का लक्ष्य सुख शांति संतोष और आनंद है तो वह उसको पाने के लिए प्रयासरत है, और जब मानव जो है सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त कर लेता है तभी वह समाधान समृद्धि अभय और सह अस्तित्व को प्रमाणित कर पाता है, इससे पहले वो प्रमाणित नहीं कर पाता है। तो मानव में जीवन जीवन और शरीर दोनों ही है, इनके संयुक्त रूप में मानव है। तो ये सारा जो है व्यवहार जो है वो जीवन की क्रिया ही है, और उसमें जब कार्य रूप में दिया जाता है तो उसमें शरीर का भी नियोजन रहता है। तो जो जिसको लक्ष्य मानता है वो उसको पाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो लक्ष्य जो है वो जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य है ना, और मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य ही है। तो मानव लक्ष्य जो है वो समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व है, और जीवन लक्ष्य जो है वो सुख शांति संतोष और आनंद है, जिनको स्थापित मूल्य मानव मूल्य और वस्तु मूल्य के रूप में पहचानने में आता है। तो लक्ष्य भेद से प्रयास भेद, अब यहाँ पे जो अनुभूति कही गई है जिस जो बाबा ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है दर्शन में कि लक्ष्य भेद से प्रयास भेद, प्रयास भेद से प्रगति, प्रगति भेद से फल,
फल भेद से प्रभाव, प्रभाव भेद से अनुभव, अनुभव भेद से प्रतिभा, और प्रतिभा भेद से स्वभाव, और स्वभाव भेद से यथार्थ, यथार्थता ही मानव लक्ष्य सहज परंपरा। अब इसमें पूरा क्रम बताया गया है कि कैसे जो है मानव अपने लक्ष्य तक परंपरा बनाने में सफल होता है। तो उन्होंने कहा लक्ष्य भेद से प्रयास भेद है। तो जीवन लक्ष्य को पहचानने के साथ ही समाधान सफल होता है, समाधान सफल होने से समृद्धि, अभय और सहस्तित्व, ये तीनों सफल होते हैं। तो लक्ष्य भेद के साथ प्रयास भेद, तो जब एक जीवन लक्ष्य सफल हो गया तो उसके साथ उसको प्रमाणित करने के लिए फिर मानव लक्ष्य की ओर गति होती है। तो उसके प्रयास से प्रगति, जो जिस लक्ष्य के लिए हम रहते हैं उस लक्ष्य में ही हमको प्रगति पहचानने में आती है। प्रगति भेद से हमको फल प्राप्त होता है, जिसको पूर्ण फल और न्यून फल के रूप में हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। फल भेद से प्रभाव रहता है, तो पूर्ण फल के रूप में भी प्रभाव मिलता है, न्यून फल के रूप में प्रभाव मिलता है। तो पूर्ण फल यदि मिला है, जागृति में पूर्ण फल ही होता है ना, जागृति से पहले ही न्यून फल हमको रहता है। प्रभाव भेद से अनुभव, मतलब पूर्ण फल का जो प्रभाव है उसी को अनुभव कहा गया है। अनुभव भेद से प्रतिभा, मतलब अनुभव का जब बोध होता है बुद्धि को, तो वो प्रतिभाव के रूप में, निरंतरता के रूप में, वो भाव की निरंतरता के रूप में मानव परंपरा में, मानवीयतापूर्ण आचरण में, व्यवस्था के रूप में, परंपरा के रूप में हमको दिखाई देता है। प्रतिभाव से स्वभाव, मतलब जो उसके अंतर प्रतिभाव बार बार जो निरंतरता में उसको पहचानता है, उससे ही उसके स्वभाव की पहचान होती है, अन्यथा में स्वभाव की पहचान नहीं होती है। निरंतरता के अर्थ में ही स्वभाव की पहचान हो पाती है, जो मानवीय स्वभाव के रूप में मध्य दर्शन में कहा गया है। स्वभाव भेद से यथार्थ है, और यथार्थता ही मानव लक्ष्य सहज परंपरा है। यथार्थ मतलब जिसका जैसा अर्थ है उसको वैसा समझना, तो यथार्थता ही मानव लक्ष्य सहज परंपरा है। तो यथार्थता में समाधान भी है, समृद्धि भी है, और अभय भी, और सहस्तित्व, ये चारों जो है मानव लक्ष्य जो है उसके साथ मानवीयतापूर्ण परंपरा बनती है, यही यथार्थ है, जिसमें जागृति और जागृति के लिए प्रयास दोनों ही समाये हुए हैं। अब यहाँ पे लक्ष्य को परिभाषित किया गया है। अभी तक अनुभूतियों की चर्चा हो रही थी, अब लक्ष्य की चर्चा है। जिसको पाना है वह लक्ष्य है, जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है इसको, कि जिसको पाना है वह लक्ष्य है। जागृति पूर्वक ही मानव लक्ष्य सुनिश्चित होता है, जागृति पूर्वक से पहले मानव का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं होता है। यह समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व समाज समझ सहस्तित्व सहज प्रमाण है। तो जागृति के लिए जीवन लक्ष्य, और जागृति के बाद जो है वो मानव लक्ष्य की पहचान होती है। तो जागृति के लिए जीवन लक्ष्य, सुख शांति संतोष आनंद के लिए जब हम जीवन क्रियाओं को पहचानते हैं, और जब हम भास आभास प्रतीत बोध और अनुभूति तक जा करके हम जीवन लक्ष्य को सफल करते हैं, उसके बाद मानव लक्ष्य की पहचान होती है, जो समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सहज प्रमाण है। जीवन लक्ष्य के सफल होने का प्रमाण ही है कि समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व की परंपरा बने। प्रयास, लक्ष्य की उपलब्धि के लिए यत्न पूर्वक किए गए कार्य की प्रयास संज्ञा, मतलब स्फुरन और प्रेरणा में जो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता में निश्चयन सहित किया गया कार्य व्यवहार, उसको स्फुरन कहा गया है। तो लक्ष्य की उपलब्धि के लिए जो भी यत्न पूर्वक, मतलब समृद्धि के लिए तो हमको यत्न करना ही पड़ता है, और समाधान के लिए भी हमको यत्न करना ही पड़ता है, तो उसमें अपने को मन को नियोजित रखना या जीवन क्रियाओं को नियोजित रखने से हम जीवन की पहचान के आधार पर जीवन लक्ष्य को सफल करते हैं, और मानव के मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचानने से हम जो है समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। इसलिए हमारा प्रयास जो है वो क्या है, तो लक्ष्य की उपलब्धि के लिए हमको यत्न पूर्वक प्रयास करना ही होता है। प्रगति, पूर्व से भिन्न आगे गुणात्मक विकास की ओर गति को प्रगति संज्ञा है, श्रेष्ठता और गुरु मूल्यन की ओर गति। तो पूर्व से भिन्न मतलब अभी जब हम जागृत नहीं थे, अजागृत थे, तो जैसे जागृत हो जाते हैं उसको प्रगति और विकास की संज्ञा कहा गया है, जो श्रेष्ठता से गुरु मूल्यन की ओर गति है।
तो श्रेष्ठता देव मानव, देव मानव और दिव्य मानव, तो दिव्य मानव तक जो गति है उसी को प्रगति कहा गया है। फिर फल की परिभाषा कही कही यहाँ पर उसकी बात की गई है कि जिस अवधि के अनंतर क्रिया प्रणाली बदलती है उस अवधि को फल की संज्ञा है। तो जब क्रिया प्रणाली बदलती है तो उसको पूर्ण फल कहा जाता है, और जब जब क्रिया प्रणाली बदलने से पहले जो भासाभास के रूप में रहता है उसको न्यून फल हम लोग ने न्यून फल के रूप में पहचाना है। तो ये जो संक्रमण है मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव, दिव्य मानव के बाद कोई संक्रमण नहीं है, तो ये जो फल आता है ना उसी को अवधि के अनंतर जो प्रणाली बदलती है, हमारी कार्य प्रणाली विचार प्रणाली जो बदलती है उसी को फल की संज्ञा यहाँ पर कहा गया है। अब प्रभाव को फिर से यहाँ पर परिभाषित किया गया है क्योंकि विकास के लिए जो स्वीकृति है उसको प्रभाव संज्ञा, मतलब मानव जब विकास को पहचानता है गठन पूर्णता के रूप में, पहले सर्वप्रथम विकास जो है वो गठन पूर्णता के रूप में हमको पहचानने में मध्य दर्शन सहअस्तित्ववादी विधि से आता है। उससे पहले तो हम विकास को समझ में नहीं पाते हैं और रचनाओं में जो हमको दिखता है विकास जैसा उसको हम विकास मान करके भौतिकवादी विधि से अभी तक हम चलते आए हैं। तो जो आदर्शवादी विधि है उसमें मोक्ष को ही विकास माना गया है, इससे कम में कोई विकास वहां पर दिखाई देता नहीं है। तो विकास मध्य दर्शन में जो विकास की बात की गई है वो गठन पूर्णता, गठन पूर्णता के बाद जागृति, जागृति जागृति क्रम, जागृति और जागृति पूर्णता, यहाँ तक का जो स्वीकृति है उसको प्रभाव की संज्ञा कहा गया है। तो जब मानव जो है इन वास्तविकताओं को यथार्थताओं को पहचानता है तो वो अपने तन मन का नियोजन जो है यत्न पूर्वक मानव मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करने के अर्थ में, मानवीयतापूर्ण बुद्धि को प्रमाणित करने के अर्थ में अपने को नियोजित करता है, जिससे वो प्रभावित रहता है और प्रभावित करता है। अब अनुभव की परिभाषा यहाँ पर की गई है कि अनुक्रम से प्राप्त समझ अथवा अनुक्रम में निहित प्रभावों की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है, अथवा जिसके आश्रित जो प्रभाव हो वह उसका अनुभव है। मतलब अनुक्रम से प्राप्त समझ अथवा अनुक्रम में निहित प्रभावों की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। मतलब अनुक्रम से प्राप्त जानकारी, मतलब एक तो क्रम है मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा का, और जो अनुभवगामी विधि में और अनुभव मूलक विधि में आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन, यहाँ तक का एक अनुक्रम है। एक अनुक्रम स्वयं में व्यवस्था से लेकर परिवार व्यवस्था से लेकर समाज व्यवस्था से लेकर अखंड विश्व व्यवस्था तक है। एक अनुक्रम पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था तक का अनुक्रम है। तो इस प्रकार अनुक्रम से जो प्राप्त समझ है उसके उसमें नहीं जो प्रभाव है उनकी पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। जब हम अभी यहाँ पर पूर्ण स्वीकृति क्यों कहा गया है, क्योंकि बुद्धि में जो है सही की ही स्वीकृति होती है, गलत की स्वीकृति की कोई भी फैकल्टी वहां पर नहीं है, कोई भी संभावना वहां पर नहीं है। इसलिए बुद्धि में जब ये स्वीकृत हो जाता है तभी अनुभव प्रमाणित होता है, उससे कम में अनुभव प्रमाणित नहीं होता है। अथवा जिसके आश्रित जो प्रभाव हो वह उसका अनुभव है। तो मन जो है वृत्ति के आश्रित है, वृत्ति जो है चित्त के आश्रित है, चित्त जो है बुद्धि के आश्रित है, बुद्धि जो है आत्मा के आश्रित है, और आत्मा जो है वो सहस्तित्व में सत्ता में आश्रित है। इस प्रकार से अनुभव को यहाँ पर व्याख्याई किया गया है ना। इसी प्रकार से फिर न्याय प्रमाणित होता है, फिर न्याय और धर्म प्रमाणित होता है, न्याय धर्म के साथ सत्य प्रमाणित होता है। एक अनुक्रम ये भी अनुक्रम का मतलब फिर यहाँ पे अनुक्रम को भी परिभाषित किया गया है कि कड़ी से कड़ी अथवा सीढ़ी से सीढ़ी जुड़ी हुई विधि सहस्तित्व में ही अनुक्रम व अनुभव। तो सहस्तित्व में ही हम सारे अनुक्रमों को भी समझ पाते हैं, सहस्तित्व में भी हम अनुभव को भी अनुभव कर पाते हैं। अनुभव समझने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव होने की वस्तु है। तो समझना जो है वो क्रिया का होता है और अनुभव जो है वो हमको ज्ञान स्वरूप में पहचानने में आता है। और ज्ञान संपन्नता ही जो है वो अनुक्रम की पहचान है और अनुभव की पहचान है, जो ज्ञान विवेक और विज्ञान पूर्वक सफल होता है परंपरा में और व्यवस्था में। प्रतिभाव, अब यहाँ प्रतिभाव को फिर से परिभाषित किया गया है कि अनुभव के अनंतर
है ना, प्रतिभाव पहले भी रहता है जो अपूर्णता में रहता है, अब अनुभव के बाद जो है वो पूर्ण फल है। तो अनुभव के अनंतर बोध चिंतन के रूप में प्रमाणित करने हेतु प्रवृत्ति ही प्रतिभाव। अब अनुभव के बाद अनुभव का बोध होता है, उसके बाद वो चित्त में चिंतन के रूप में प्रमाणित करने के लिए फिर उसमें चिंतन होता है जो प्रयोजन के अर्थ में होता है। सभी संबंधों को, सभी जो प्राकृतिक संबंध है और मानव संबंध है, उनको प्रयोजनों के अर्थ में सफल बनाने के लिए होता है। और उसके लिए जो मानवतापूर्ण आचरण की प्रवृत्ति फिर हमने निरंतरता के रूप में परिलक्षित होती है, वही प्रतिभाव के रूप में होता है। मतलब भाव की ही फिर प्रधानता रहती है, अभाव वहां पर दिखाई नहीं देता है। तो हमेशा न्याय प्रभाव का निरंतरता में प्रस्तुत होना ही प्रतिभाव है। और जब यह प्रतिभाव मानव परंपरा में स्वभाव के रूप में, मानवीय स्वभाव के रूप में, जो देव मानव और दिव्य मानव के रूप में है ना दिखाई देता है, जो जिसमें धीरता, वीरता और उदारता, दया, कृपा और करुणा के रूप में हमको मानवीय स्वभाव के रूप में मध्य दर्शन में हमको इसकी स्पष्ट व्याख्या मिलती है। तो ज्ञान संपन्नता से कम में धीरता प्रमाणित ही नहीं होती, वीरता प्रमाणित ही नहीं होती है ना, और उदारता प्रमाणित ही नहीं होती। ये सब अनुभव के बाद ही, ज्ञान संपन्नता के बाद ही प्रमाणित होते हैं। तो अनुभव के बाद ही मनुष्य स्वभाव के रूप में अपने को प्रस्तुत, निरंतरता के, अपने स्वभाव को निरंतरता के अर्थ में प्रस्तुत कर पाता है। अब यहाँ आशक्ति को भी परिभाषित किया गया है कि हाँ, स्वभाव, स्वभाव की परिभाषा, प्रतिभाव से युक्त स्वमूल्यन की स्वभाव संज्ञा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रतिभाव, भाव का निरंतरता में रहना, युक्त स्वमूल्यन की स्वभाव संज्ञा। यहाँ स्वमूल्यन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हम मूल्यांकन जो है ना, स्वयं का ही कर सकते हैं। दूसरे, यदि हम स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं तो ही हम अन्य का मूल्यांकन कर पाते हैं, और ये मूल्यांकन जो है मूल्य के रूप में होता है। तो जो जो देखने की क्रिया है वो स्वयं में होती है, इसलिए यहाँ स्वयं के मूल्यांकन की बात की गई है। कि जब हम स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम भावपूर्ण स्थिति में प्रस्तुत है या भावपूर्ण प्रस्तुत नहीं हो पा रहे, तो यदि भाव की निरंतरता में हम अपने विचार कार्य व्यवहार को देख पाते हैं, तब हम स्वभाव के रूप में वो मानव के आचरण में परिलक्षित होता है। तो प्रतिभाव से युक्त स्वमूल्यन की स्वभाव संज्ञा है। तो इसमें एक सूत्र और मानव विहार दर्शन में पहले ही कहा गया है कि स्वयं का मूल्यांकन कर लो तो फलतः दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे। स्वयं का मूल्यांकन कर लो तो दुखी, प्रताड़ित और दरिद्र नहीं होगे, है ना। तो हम जो है स्वयं का मूल्यांकन करके ही इस दुख से, प्रताड़ना से और दरिद्रता से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ आशक्ति की बात की गई है, आशक्ति को परिभाषित किया गया है, जिसकी की पहले भी यहाँ पे लौकिक व्यवहार में आशक्ति की चर्चा की गई थी। हिरास अथवा भ्रम की ओर होने वाली या की जाने वाली गलतियों को सही मान लेना, ये आशक्ति है, यही अमानवीयता है। अभी भ्रमित अवस्था में हम लोग जो है ना गलती को सही मान करके ही करते हैं। हम लोग जब बाबा जी से चर्चा करते थे कि बाबा आप में इतना जो साहस, आप एक तरफ जागृत मानव के रूप में है, यहाँ पे सब भ्रमित मानव है, तो आप कैसे इतना सब कुछ करने की जो आप में साहस है वो कैसे है? तो उन्होंने कहा बेटा, मनुष्य में सही करने की एक बहुत बड़ी फैकल्टी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि वो सही ही करना चाहता है। तो वो जब गलती को भी तभी करता है जब वो उस गलती को सही मान लेता है। तो यहाँ पर जब आशक्ति को परिभाषित किया गया है तो कितने अच्छे, कितने सुंदर रूप में परिभाषित किया गया है कि हिरास अथवा भ्रम की ओर होने वाली या की जाने वाली गलतियों को सही मान लेना, यही आशक्ति है और यहीं से अमानवीयता का प्रसार है। जब हम सही को सही स्वरूप में, जिसकी पहचान बुद्ध मन वृत्ति, मन में जो है आस्वादन के रूप में, वृत्ति में जो है वो विचार के रूप में, आशा के रूप में मन में, विचार के रूप में वृत्ति में, चित्त में इच्छाओं के रूप में जो प्रयोजन के अर्थ में रहती है, है ना। जैसे उस दिन साधन भाई ने बहुत विस्तार से जीवन क्रियाओं की चर्चा की थी, मैं उतने विस्तार में तो नहीं जाना चाहती हूँ। और बुद्धि में जो है सही की स्वीकृति के रूप में, अनुभव के साथ जो भी कुछ हम पहचान पाते हैं सही को सही, यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता के रूप में, तब जाकर के हम अमानवीयता से मुक्त होते हैं, हाँ, और आशक्ति से मुक्त होते हैं। रास की ओर किया गया गलत मूल्यांकन ही आशक्ति है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हम समझदार हो गए, हम ये मान लेते हैं कि हम सही
को प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि वो मानना जो है जब तक निरंतरता में स्वभाव रूप में परिलक्षित नहीं होता है तब तक वो परंपरा में जब तक वो नहीं आता है तब तक सही है इसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो विचार में जो है आशा की निरंतरता के रूप में, विचार में समाधान के रूप में, व्यवहार में न्याय के रूप में और कार्य में जो है वो नियम पूर्ण उत्पादन के रूप में हमको जो है सत्यता का बोध होता है और अशक्ति से मुक्त रूप में हम स्वभाव के रूप में व्यक्त हो पाते हैं। अगला जो है टाइम बता दें, अगला जो है वो भाव को यहाँ पर परिभाषित किया गया है कि मूल्यांकन एवं मौलिकता की भाव से, मतलब मूल्यांकन क्या है, हर इकाई में जो मौलिकता है स्वत्व के रूप में वही उसका भाव, हर इकाई का कोई ना कोई भाव है तो मानव का जो भाव है मूल्यों के रूप में ही पहचानने में आता है। भाव मौलिकता है यथा जिस अवस्था में और पदों में जो अर्थ स्वभाव और धर्म के रूप में होते हैं वह उसकी मौलिकता है ना। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर इकाई में जो अर्थ है वो स्वभाव और धर्म के रूप में परिलक्षित होता है, क्योंकि स्वभाव और धर्म निरंतरता में रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं है, रूप और गुण बदलते रहते हैं क्योंकि स्वभाव और धर्म कभी बदलते नहीं है, इसलिए निरंतरता के रूप में मौलिकता की पहचान हो पाती है। जो निरंतर नहीं है ना उसमें जो है वो व्यवस्था के रूप में परंपरा के रूप में वो नहीं आता। हालांकि रूप और गुण की भी परंपरा बनी हुई है और रूप गुण को भी हम देखते ही हैं लेकिन वो परिवर्तनशील है ना। तो रूप गुण स्वभाव और धन इन चारों के योगफल में किसी एक इकाई की मौलिकता जो है वो सिद्ध होती है और उसी में ही अध्ययन भी होता है। इन चारों को सम्मिलित स्वरूप में जो अध्ययन है, जीवन की भी सारी क्रियाएं सम्मिलित रूप में ही प्रस्तुत होती हैं और जो बुद्धि में जो होता है, मन में जो होता है, वृत्ति में जो होता है, चित्त में जो होता है, बुद्धि में जो होता है वो अलग अलग जरूर, क्योंकि वो वहां तक उसका प्रभाव क्षेत्र है। बल का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र, तो जहां जहां तक जिसका प्रभाव क्षेत्र है वहां वहां तक इसकी बात की गई है, लेकिन जब जीवन रूप में वो अभिव्यक्त होता है मानव रूप में तो समूची क्रिया का सम्मिलित प्रभाव के रूप में ही वो व्यक्त होती है। तो एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देती हूँ कि मूल्यांकन एवं मौलिकता की भाव संज्ञा। भाव क्या है, तो भाव मौलिकता है जैसा जिस अवस्था और में जो अर्थ है, जो स्वभाव और धर्म के रूप में होते हैं वह उसकी मौलिकता है। मानव सुख धर्मी है इसलिए सुख जो है मानव की मौलिकता है, जो कि मूल्य पूर्वक जागृति पूर्वक और मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में है ना, बौद्धिक नियम सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में जो है वो हमको मानव परंपरा में पहचानने के रूप में दिखता है। भाव मौलिकता मूल्य जिम्मेदारी भागीदारी और फल परिणाम मूल्यांकन है ना। फल परिणाम के आधार पर ही मूल्यांकन होता है कि पूर्ण फल मिला कि नहीं मिला। तो भाव बराबर मौलिकता, मौलिकता बराबर मूल्य, मूल्य बराबर जिम्मेदारी। अभी हमारी बहन जी ने पूछा था कि समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी को कैसे हम जीवन क्रिया में देखेंगे, तो उसके यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है, जो परिभाषा दी गई है कि भाव ही मौलिकता है और मूल्य जिम्मेदारी और भागीदारी है। तो भाव को समझना है ना, जानना तो वो समझदारी है, जानने के बाद उसको मानना, जानने से पहले वो आशक्ति है ना, गलती को भी हम सही मान लेते हैं, तो जानने के बाद जो मानना है वो ईमानदारी है। अभी हम पूरी मानव जाति जो है ईमानदारी पूर्वक जितना जानते हैं उससे ज्यादा अपने को व्यक्त करने में लगे रहते हैं, अनुभव से पहले संपूर्ण जानना होता नहीं है। तो भाव बराबर मौलिकता, मौलिकता बराबर मूल्य, मूल्य बराबर जिम्मेदारी भागीदारी, जिम्मेदारी भागीदारी से ही फल परिणाम आते हैं। फल परिणाम के आधार पर हम अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम जो है वो अपने को पूर्ण फल के रूप में प्रस्तुत हो पाए हमारा विचार कार्य व्यवहार और या नहीं हो पाया है, उस आधार पर हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि अभी हम मूल्यों से प्रस्तुत हुए, मानवीयतापूर्ण आचरण से प्रस्तुत हुए या नहीं हुए। मानवीयतापूर्ण आचरण से प्रस्तुत होना ही मानवीयतापूर्ण मानव मूल्य है, ठीक है। जबकि भ्रमित मानव में हीनता दीनता क्रूरता स्वभाव है तथा आशक्ति और प्रलोभन को धर्म माने जाता है। देखिए कितनी स्पष्ट व्याख्या है कि भ्रमित मानव में हीनता दीनता और क्रूरता स्वभाव है,
हीनता का मतलब होता है जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा हो उसके विपरीत में कर्म करना, है ना। तो ये हीनता है, विश्वासघात की हीनता संज्ञा है, ऐसे इसको कहा गया है। तो मनुष्य से विश्वास की अपेक्षा रहती है, वो विश्वास के विपरीत अपने को प्रस्तुत करता है, क्योंकि विश्वास को वो समझता नहीं। यदि समझ जाएगा तो वो विश्वास पूर्वक ही प्रस्तुत करेगा। हर मानव सही करने का इच्छुक ही है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक ही है। दीनता का मतलब है अपने अपने जो है सुख के लिए, जो है जो अपने समाधान के लिए, जो दूसरों से आश्रय रहने की जो प्रवृत्ति है वो दीनता है, कि हम अपने सुखी होने के लिए दूसरों पर निर्भर रहे। जबकि समाधान पूर्वक हम सुखी हो सकते हैं, उसका सारा स्रोत जो है वो मानव में स्वयं ही विद्यमान है। क्रूरता का मतलब होता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अन्य के अस्तित्व को नष्ट करना, इसको क्रूरता कहा गया है। तो हम जो है अपने को जब तक भ्रमित रहते हैं, आसक्ति पूर्वक रहते हैं, तो ना हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को भी प्रस्तुत नहीं कर पाते और दूसरे के अस्तित्व में हस्तक्षेप करते ही रहते हैं। और आसक्ति और प्रलोभन को धर्म माने रहते हैं, जबकि धर्म जो है वो सुख के रूप में है। आसक्तियां और प्रलोभन जो है, आसक्ति में विवशता होती है ना, और प्रलोभन भी विवशता ही है, उसको धर्म माने रहते हैं, जबकि धर्म जो है वो सुख के अर्थ में मान मध्य दर्शन में हमको स्पष्ट रूप से पहचानने में आया। धीरता वीरता वो एक लाइन रहेगी, कौन सा? धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा स्वभाव है। अच्छा, ये रह गया क्या? ठीक है, ऊपर नहीं, आगे के अनुभूति, आगे जो जो इसमें अब ये परिभाषाओं के बाद अनुभूतियों की बात की गई है, कि लोक व लोकेश भेद से लक्ष्य। अब यहाँ पर लोक और लोकेश को पहले ही लौकिक व्यवहार को और पारलौकिक व्यवहार को कहा गया, आगे भी इसकी परिभाषाएं आगे दी हुई हैं, उसको हम आगे देखेंगे। लोक व लोकेश भेद से लक्ष्य, अंतरंग व बहिरंग भेद से यत्न, व्यष्टि एवं समष्टि भेद से प्रयास, राष्ट्र एवं विकास भेद से प्रगति, न्यून व पूर्ण भेद से फल, सम विषम तथा मध्यस्थ भेद से प्रभाव, इंद्रिय एवं इंद्रियातीत भेद से अनुभव, सहज एवं असहज भेद से प्रतिभाव, विहित एवं अविहित भेद से प्रवृत्ति व आशक्ति तथा उच्च और नीच भेद से भाव की स्थिति मानव में है। जीवन ही लक्ष्य का धारक वाहक है। अब आगे वाली जो अनुभूति है इसमें लोक और लोकेश की को और भी अच्छे रूप से स्पष्ट किया गया है, कि परिणामवादी लक्ष्य को लोक और उससे मुक्त को लोकेश की संज्ञा है। तो परिणामवादी लक्ष्य में मतलब जो चार विषय और तीन ऐशनाएं हैं, है ना, तो इन ऐशनाओं से मुक्ति जो है वो लोकेश है, है ना। तो परिणामवादी जितने भी फल परिणाम है जो चार विषय और चार कार्यक्रमों में है, तो उनको लोक की संज्ञा कही गई है और उससे मुक्त को लोकेश की संज्ञा है, है ना। ये मन वृत्ति चित्त एवं बुद्धि से किए गए कार्य को अंतरंग तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रियों द्वारा किए गए कार्य को बहिरंग की संज्ञा। ये तो बहुत स्पष्ट ही है, क्योंकि शक्ति का अंतर्नियोजन मतलब मन वृत्ति में अंतर्नियोजित हो, वृत्ति चित्त में अंतर्नियोजित हो, चित्त बुद्धि में अंतर्नियोजित हो, बुद्धि आत्मा में अंतर्नियोजित हो, और आत्मा जो है वो सहस्तित्व में अनुभूत रहना, ये अंतरंग क्रियाएं हैं, है ना। और बहिरंग क्रियाएं जो हैं, जब यही जो समझ है वो जब शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रिय द्वारा कार्य के रूप में प्रमाणित होती है, तब उसको बहिरंग क्रिया कला बोलते हैं। इकाईत्व को व्यष्टि तथा संपूर्ण को समष्टि के रूप में पहचाना गया है। एक इकाई जो है वो स्वयं व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो समग्र व्यवस्था जो है वो समष्टि है, और इकाई के रूप में जो व्यवस्था है वो व्यष्टि है। अवनति की ओर ह्रास और उन्नति की ओर विकास है। तो जो है भ्रमित आसक्ति में ह्रास है और आसक्ति से मुक्त स्थिति में विकास है। फिर जिस प्राप्ति से वांछित आशय की पूर्ति हो उसे पूर्ण फल अथवा में न्यून फल, जिसको पहले भी हमने कहा है कि आशय के अनुरूप यदि फल आता है तो आशय की पूर्ति के रूप में जो फल आता है उसको पूर्ण फल होते हैं, आशय के अपूर्ति के रूप में जो फल आता है उसको न्यून फल कहा गया है। तो इस प्रकार से फल की पहचान होती है। उद्भववादी प्रभाव को सम, है ना, सम क्रिया मतलब जो रचना में सहायक, है ना। विभव प्रभावी प्रभाव को मध्यस्थ मतलब जो रचना को बनाए रखता है या क्रिया की निरंतरता को बनाए रखता है उसको विभव कहा गया है, विभववादी।
है जो मध्यस्थ क्रिया के रूप में या मध्यस्थ सत्ता के रूप में भी पहचानने में आता है। प्रलयवादी प्रभाव को विषम, मतलब जो विरचना के रूप में है उसको विषम कहा गया है, या अशक्ति के रूप में है वो भी विषम ही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रियों द्वारा किए गए व्यवहार मात्र से प्राप्त जानकारी को इंद्रियानुभव तथा मन रति चित्त तथा बुद्धि के द्वारा प्राप्त जानकारी को अति इंद्रियानुभव या इंद्रियातीत अनुभव कहा गया है। ये तो बहुत स्पष्ट ही है कि मन रति चित्त से जो भी कुछ हमको अनुभव होता है उसको इंद्रिय अनुभव बोलते हैं, और जो इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो भी कुछ हमको अनुभव होता है उसको इंद्रिय अनुभव कहा गया है। यथार्थ की ओर जो प्रेरणा है उसको सहज प्रतिभाव और उसके विपरीत असहज प्रतिभाव है। मतलब सहज रूप से हम जब व्यक्त होते हैं तो वो भाव की निरंतरता के रूप में ही हम सहज रूप में व्यक्त हो पाते हैं। यदि भाव की निरंतरता नहीं है तो हम स्वयं असहज होता हो जाते हैं, इसको हम अपने कार्य व्यवहार में नित्य देख पाते हैं, है ना। न्याय धर्म तथा सत्य के प्रति जो निष्ठा है उसके विहित स्वीकृति और उसके विपरीत में अभिहित आसक्ति है, है ना। तो न्याय धर्म और सत्य के प्रति जो निष्ठा है, निष्ठा जो है वो समाधान समृद्धि अभय और सहस्तित्व के रूप में ही प्रमाणित होती है। यदि हम विचार में समाधान से प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, जो हर आयाम हर दिशा हर कोण हर परिप्रेक्ष्य में समाधान को प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं तो अभी हम निष्ठान्वित नहीं है। निष्ठा जो है वो प्रमाण तक है, इसकी पहचान जो है हमारी निष्ठा की पहचान प्रमाण में ही होती है, उससे कम में पहचान होती नहीं। समझदारी का पहचान भी प्रमाण में ही होता है, अनुभव का पहचान भी प्रमाण में ही होता है, क्योंकि अनुभव तो जो है वो अंतरंग क्रिया है, उसके पहचान के लिए जो है इस प्रकार से उसको पहचाना जाता है। इसके विपरीत में जो है वो आसक्तियां हैं सारी, स्वीकृतियां जो है स्वीकृतियां जो है वो न्याय धर्म सत्य के ही स्वीकृति होती है, क्योंकि बुद्ध में न्याय धर्म सत्य के अलावा स्वीकृत होने का कोई कार्यक्रम वहां पर नहीं है। इसलिए आसक्ति जो है वो केवल चित्रण तक ही जाती है, उससे आगे आसक्ति का जो है जाता नहीं है। फिर जो अनुभव आधारित जो चित्रण है फिर वो न्याय न्याय धर्म धर्म सत्य सत्य के रूप में हमको देखने को हो गया है। एक लाइन और ठीक है, अब एक सूत्र में पढ़ देती हूँ। एक सूत्र नहीं, एक लाइन। समाधानवादी भाव को लास्ट, समाधानवादी भाव को उच्च भाव, समाधानवादी भाव को उच्च भाव तथा समस्यावादी प्रवृत्ति को नीच भाव की संज्ञा है। अब ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जो हम समाधान की ओर गति है तो हम अपने भाव पूर्णता की साथ रहते हैं, और जो हम भाव अपूर्णता में रहते हैं तो वो समस्या का ही स्रोत होते हैं, हम और कुछ भी नहीं होते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आज समय हो गया है। नमस्कार, एक बार मैं फिर आप सबसे अध्याय 7 मानव व्यवहार को लेकर के आपके सामने अपनी जो समझदारी है उसको साझा करने के अर्थ में प्रस्तुत हूँ। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों से जितनी भी बातचीत की उस बातचीत में मैंने इस बात को रखा कि यहाँ इन अध्यायों में अनुभूतियों को और परिभाषाओं की ही व्याख्या है, तो अनुभूतियों के साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं, कभी कभी संबंधों का स्पष्टीकरण भी इसमें कहीं कहीं दिया गया है। तो आज हम इस सूत्र के साथ चलते हैं कि अध्ययन विधि से सह अस्तित्व रूपी, पेज 60 में है ये, तो अध्ययन विधि से सह अस्तित्व रूपी सत्य सहज मन में पुष्टि को मनन जो स्वीकारने के रूप में है, वृत्ति में पुष्टि तुलन गुणात्मक विधि से पहचानने में आती है, और चित्त में पुष्टि साक्षात्कार के रूप में, और बुद्धि में पुष्टि बोध की बोध संज्ञा है। तो अध्ययन विधि से जब हम जाते हैं तो सहचित्त में जब अध्ययन होता है तो सत्य सहज रूपी जो वास्तविकताएं हैं, यथार्थताएं हैं, सत्य सत्यताएं हैं, उनको पूर्वानुक्रम के अर्थ में जब हम स्वीकारते हैं उसको स्वीकारना बोलते हैं, और यह स्वीकारना जो है वो निष्ठा के रूप में अभिव्यक्त होता है, ठीक है। और वृत्ति में पुष्टि जो है वो तुलन यानी गुणात्मक विधि से हमें पहचानने में आता है। तो ये गुणात्मक क्या है, तो हम प्रीहित लाभ की दृष्टि के साथ साथ न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को भी पहचान पाते हैं, और उस अर्थ से भी तुलन कर पाते हैं जिसको न्याय अन्याय धर्माधर्म और सत्य सत्य के रूप में अध्याय दर्शन में प्रतिपादित किया गया है। चित्त में पुष्टि साक्षात्कार के रूप में, साक्षात्कार जो है वो प्रयोजन के अर्थ में
वास्तविकताओं को पहचानना या मौलिकता को पहचानना, इसको साक्षात्कार कहा गया है। तो साक्षात्कार जो है वो क्रम से हमको होता रहता है, और जब साक्षात्कार पूर्ण हो जाता है तभी बोध और अनुभव के लिए हमारी योग्यता बनती है। और बुद्धि में पुष्टि जो है वो बोध की संज्ञा है। तो ये जो सारी मन वृत्ति चित्त और बुद्धि की जो क्रियाएं हैं उनकी पुष्टि के लिए क्या क्या चीज, क्या क्या वास्तविकताएं हैं या क्या क्या वस्तु हैं, तो मन में जो है वो पूर्वानुक्रम को जो निष्ठा के रूप में पुष्टि करती है, वृत्ति में पुष्टि जो है वो न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि का उदय होने से होती है, चित्त में पुष्टि जो है वो प्रयोजनों को पहचानने से होती है, और बुद्धि में पुष्टि जो है वो आत्मबोध, व्यवस्था बोध और अमरत्व बोध के रूप में होती है, जिसको मूल्य के रूप में भी हम अभिव्यक्त करते हैं आचरण में। इसके बाद जो अनुभूति की चर्चा की गई है वो अज्ञान के मूल में अहंकार तथा ज्ञान के मूल में आत्मबोध तथा सहस्तित्व रूपी परम सत्य बोध को पाया गया है। अब ये तो बहुत सामान्य सी बात है, मध्यस्थ दर्शन के जितने भी अध्येता हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो अहंकार जो है वो अबोधता ही है, बोध नहीं हुआ है, हम बोध तक अभी पहुंचे नहीं है, बोध की अहर्ता हमको बनी नहीं है, तो उसको ही अहंकार कहा गया है। तथा ज्ञान के मूल में आत्मबोध, आत्मबोध जो है वो बुद्धि को होता है, आत्मबोध से पहले बुद्धि जो है वो स्वयं को श्रेष्ठ माने रहती है, उससे भी श्रेष्ठ कोई इकाई है उसको वो पहचान नहीं पाती है, इसलिए सत्य सहज वास्तविकताएं पहुंचती नहीं है जिसका जिसका चित्त में भी साक्षात्कार नहीं हुआ रहता है। तो जब हम अध्ययन विधि से जाते हैं तो हमको चित्त में ये साक्षात्कार होता है कि जीवन में आत्मा नामक एक मध्यांश है, जो आत्मा के जीवन इकाई का जो मध्यांश है जो आत्मा के नाम से अभिहित है, और उसको मैं की ही संज्ञा है। तो जब मैं के रूप में आत्मा की पहचान बुद्धि को होती है तब वो आत्मबोध से युक्त होकर के सहस्तित्व रूपी परम सत्य को पहचानता है, और अनुभव के माध्यम से जब अनुभव का भी बोध होता है तब फिर वो विचार कार्य और व्यवहार में निरंतरता, आचरण की निरंतरता, समाधान की निरंतरता और कार्य में नियम पूर्ण उत्पादन की निरंतरता के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला अनुभूति है कि स्फुरण प्रेरणा तथा क्रांति के भेद से मनन है। स्फुरण जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि स्फुरण का मतलब है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता पूर्वक निश्चयन सहित किया गया कार्य व्यवहार परंपरा, इसको स्फुरण कहा है। प्रेरणा जो है वो जागृति की ओर जो गति है उसको प्रेरणा के अर्थ में समझते हैं, और क्रांति का मतलब होता है धारणा के अनुकूल चेष्टा, धारणा के अनुकूल चेष्टा जो है उसको स्फुरण और क्रांति दोनों कहा गया है ना। तो जब हम धारणा को जो हम पहचानते हैं अध्ययनगामी विधि से, और धारणा धीरे धीरे हमको साक्षात्कार पूर्वक हमारी अवधारणा बनने लगती है, तब हमें जो परिवर्तन आता है, जो पहचानने की जो हमें योग्यता का विकास होता है, उसको ही क्रांति के रूप से, क्रांति के नाम से यहाँ इंगित किया गया है। संतुलन अथवा असंतुलन के भेद से तुलन, इसको संतुलन और असंतुलन को आगे की अनुभूतियों में व्याख्यायित किया गया है। तो संतुलन का मतलब है त्वा सहित व्यवस्था व समग्र व्यवस्था में भागीदारी, त्वा सहित व्यवस्था में ही संतुलन प्रमाणित होता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित होती है। और जब व्यवस्था सहित व्यवस्था में हर इकाई है मानव को छोड़ करके, मानव इसलिए व्यवस्था में नहीं रह पाता क्योंकि वो स्वयं को जीवन के रूप में पहचान नहीं पाता है। तो जब मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानवत्व की पहचान होती है, और जब वो मानवीयतापूर्ण आचरण की विधि से अपने विचार कार्य व्यवहार में प्रस्तुत होता है, संबंध और मूल्यों के निर्वाह में और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में अपने तन मन धन को नियोजित करता है, तब तब जो है वह संतुलन को प्रमाणित करता है। अर्थपूर्ण अथवा आरोप भेद से चित्रण तथा अनुभव मूलक विधि से सत्य बोध है। तो अर्थपूर्ण और आरोप ये दो प्रकार से चित्रण होता है। तो भ्रमित जो चित्रण है वो उसी को आरोप की संज्ञा कही गई, इसको आगे के सूत्रों में इस बात को और स्पष्ट प्रसाद से लिखा गया है। तो अर्थपूर्ण चित्रण मतलब शब्द से जब हम अर्थ और अर्थ से अस्तित्व में किसी वास्तविकता तक की पहचान करते हैं, तो वो जो अर्थ है वो किसी इकाई के आचरण में ही निहित होता है, अर्थ शब्द में नहीं होता है। तो इसीलिए आचरण से ही संप्रेषणा होती है, इसीलिए मध्यस्थ दर्शन में
जो आचरण की परंपरा की बात की हुई है, आचरण पूर्णता की बात की गई है, तो जब तक आचरण नहीं है तब तक आचरण की निश्चितता नहीं है, तब तक अर्थ पूरा का पूरा संप्रेषित नहीं होता है। भाषा के द्वारा इंगित होता है अर्थ, और संप्रेषणा जो है वो आचरण के माध्यम से ही होती है। इसलिए आचरण प्रमाण की बात मध्य दर्शन में कही गई है। तो अर्थपूर्ण अथवा आरोप भेद से चित्रण है, तो चित्र दो प्रकार से है, और अनुभव मूलक विधि से सत्य बोध होता है। तो अनुभव मूलक विधि से जैसे बाबा जी को सत्य बोध हुआ और हम लोगों को अध्ययनगामी विधि से सत्य बोध होगा, तो हम साक्षात्कार पूर्वक वास्तविकताओं को जो स्वीकृत करेंगे, सत्यता को जो स्वीकृत करेंगे, उसके आधार पर हम बुद्धि को आत्मबोध होगा, और आत्मबोध होते ही बुद्धि जो है सहस्तित्व सहज जो वास्तविकताएं हैं उनकी जो वास्तविकताओं में अपनी जीवन शक्तियां जो है वो नियोजित हो जाती हैं बोध होते ही, और जीवन मानव जो है वो मानवत्व सहित व्यवस्था में भागीदारी करने लगता है। इसकी परिभाषा जो है संतुलन की परिभाषा यहाँ की गई है, यह अनुभूति की बात कर रहे थे अभी हम। अब संतुलन पूर्वक श्रेय प्राप्त संवेग को स्फुरण एवं प्रेरणा, और असंतुलन पूर्वक प्रेय प्राप्त संवेग की प्रतिक्रांति की संज्ञा है। मतलब धारणा के विपरीत जो भी कुछ है वो प्रतिक्रांति है। तो संतुलन पूर्वक श्रेय की ओर प्राप्त संवेग को स्फुरण एवं प्रेरणा कहा गया है। यहाँ पे धारणा जो है क्या है, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही है, और प्रेरणा जो है वो जागृति जागृति पूर्णता की लिए ही है, गति है। और असंतुलन पूर्वक प्रेय श्रेय जो है, ये संतुलन को श्रेय कहा है और असंतुलन को प्रेय कहा है, जो प्रीत लाभवादी दृष्टियों से असंतुलन को हम व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम संतुलन में तो सही व्यवस्था को पहचान जाते हैं, तो फिर जो प्रीहित लाभ शक्तियां हैं वो भी अर्थ के सार्थकता के साथ सीमित अर्थों में संप्रेषित होती हैं। प्रीहित लाभ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रीहित लाभ में आसक्त हो जाना ये गलत बात है। इसको जो मानव परंपरा में इसको अज्ञानता भी बोला गया है। तो प्रीहित लाभ में जीना कब सफल होता है, जब हम संज्ञानीयता में प्रमाणित होते। तो संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं, जिससे हम संतुलन पूर्वक प्रसुप्त होने की अर्हता से संपन्न हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो अनुभूति है कि न्याय न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य दृष्टिकोण से की गई तुलना को संतुलित तथा प्रियाप्रिय हिताहित लाभालाभ दृष्टिकोण से की गई तुलना को असंतुलित वृत्ति की संज्ञा है। जो कि अपने व्याख्या में ही या सूत्र में ही स्पष्ट है कि न्याय धर्म और सत्य की दृष्टि से की गई जो भी तुलना है वो संतुलित संतुलन को प्रमाणित करती है, और प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों से की गई तुलना जब संज्ञानीयता में नियंत्रित नहीं रहती है तब वो असंतुलन को प्रमाणित करती है। न्याय न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य दृष्टिकोण से किए गए चित्रण को यथा तथा प्रियाप्रिय हिताहित लाभालाभ के दृष्टिकोण से किए गए चित्रण को अयथार्थ चित्रण की संज्ञा है। अब यहाँ पे यथार्थ और अयथार्थ के भेद से चित्रण को बताया गया है। तो यथार्थ क्या है कि मानव जीवन का जो मौलिकता है वो न्याय धर्म सत्य में ही व्यक्त होता है। संतुलन जो है न्याय धर्म सत्य पूर्वक है। प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन जो है वो नियम के रूप में संतुलित रहता है, व्यवस्था के रूप में वो अपने संतुलन को प्रमाणित करता है। मानव में जो संतुलन है वो न्याय धर्म और सत्य के साथ ही प्रमाणित होता है। तो जो न्याय न्याय धर्म धर्म और सत्य सत्य के साथ जो चित्रण होता है वो यथार्थ चित्रण होता है, और जो केवल प्रीहित लाभ का जो चित्रण है वो अयथार्थ चित्रण है। तो यथार्थ चित्रण में प्रीहित लाभ की जो सीमितता है और जो उसकी भूमिका है वो जो सीमित अर्थों में ही है, जो शरीर के अर्थ में है, वो हमको स्पष्ट हो जाती है। अगली जो अनुभूति है वो स्वस्वरूप की साक्षी में किए गए बोध की सत्य बोध तथा इसके विपरीत में आरोपित मानना ही भ्रम है जो असत्य है। मतलब स्वस्वरूप की साक्षी में किए गए बोध की सत्य बोध। स्वस्वरूप मतलब आत्मा, आत्मस्वरूप में जो आत्मा को ही अनुभव होता है, और अनुभव के आधार पर ही सारी वास्तविकताओं का पहचान जो है वो होती है, ऐसा मध्य दर्शन में हमको बताया गया। हमको तो अभी अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन हमने एक अनुभव संपन्न मानव को देखा है और हम उसकी पहचान, हमने उनको इस आधार पर उनको पहचाना है, उन्होंने अपने उसको
प्रमाणित किया है। तो स्वस्वरूप के की साक्षी में किए गए बोध की सत्व बोध तथा इसके विपरीत में आरोपित मानना ही भ्रम है जो असत्य है ना। तो आत्म जो आत्म का बोध जब होता है तभी जो है चित्त में जो साक्षात्कार है वह साक्षात्कार की पुष्टि होती है कि जो साक्षात्कार हुआ था वो सही था और हम प्रयोजन के अर्थ में था, तब जाकर के वृत्ति में समाधान और मन में आस्वादन जो है वो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक की ओर गति करता है। ये सत्य बोध जो है वो स्वस्वरूप के साक्षी में ही हो पाता है। जैसे अधिष्ठान की साक्षी में भी कहा गया है कि अध्ययन जो है वो अधिष्ठान की साक्षी में ही किया जाता है। आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा, फिर से वो बात यहाँ पर आ गई कि आत्मबोध रहित बुद्धि के अहंकार संज्ञा है। आत्मबोध रहित बुद्धि जो है वो वास्तविकताओं को पहचान नहीं पाती क्योंकि अनुभव से कम आत्मा के संकेत को वो ग्रहण नहीं कर पाती है और चित्त से जो संकेत मिलते हैं उसको वो उनको स्वीकार नहीं कर पाती है क्योंकि चित्त जो है वो साक्षात्कार पूर्वक जब तक प्रयोजन के अर्थ में साक्षात्कार नहीं होता है तब तक पूर्ण जो है स्वीकृति बुद्धि में होती नहीं है। तो जब बुद्धि को इस बात की स्पष्टता होती है कि आत्मा जो है वो उसके संकेत को ग्रहण करने लगती है और बुद्धि जो है आत्मा के संकेत ग्रहण करने के बाद ही अहंकार से मुक्त होती है, उससे पहले वो स्वयं को ही सब कुछ स्वीकारे रहती है या जीवन में उसकी ही प्रभावशीलता बनी रहती है, आत्मा के जो अनुभव का प्रभाव है वो प्रमाणित नहीं होता है। भ्रमित चित्रण की अभिमान संज्ञा है। भ्रमित चित्रण क्या है? तो नस्ल, रंग, जाति, भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय के रूप में जो भी कुछ हम अपने को माने रहते हैं मानव के रूप में वो हम होते नहीं है क्योंकि मानव जो है वो शरीर से व्याख्यायित नहीं होता है। जीवन जब मानव अब स्वयं को समझता है जीवन स्वरूप में और जीवन अपनी मौलिकता को जब समझता है तब शरीर रूप में मानव के रूप में जो उसको प्रमाणित होना होता है क्योंकि जो भी कुछ मूल्य निर्वाह है वो संबंधों में ही होता है, उससे पहले तो होता नहीं है। तो मूल्य में ही जीवन की मौलिकता जो है वो है, तो इसलिए जीवन को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए वो शरीर ग्रहण करता है। तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव जब आता है इस बात को वो पहचानता है तब वो आरोपित मान से मुक्त होता है, फिर वो आपको अपने आप को रूप पल पद धन और बल नहीं मानता है और वो अपने आप को इस अस्तित्व की समग्र व्यवस्था की एक इकाई के रूप में मानता है और वो पहचानता है और उस रूप में वो अपने को अभिव्यक्त करता है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात बाबा जी ने शायद अध्याय 16 में कही है कि साधक ने अपने आप को इस अस्तित्व के किसी विकाशांश में पाया है, मतलब वो अनुभव संपन्न व्यक्ति जो है वो ये कह रहा है, इस बात को कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को इस समूचे अस्तित्व के किसी एक विकाशांश में पाया है। मतलब अभी हम इस धरती पर जो विकास है उसके एक अंश के रूप में ही है, तो इतनी सहजता और सरलता जो है वो हम में आ जाती है जो अभिमान से रहित जो प्रस्तुति है ना, उसको हमने बाबा जी के जीवन में जिन लोगों ने देखा है उन्होंने उसको महसूस भी किया है कि वो इतने ज्ञान संपन्न होने के बाद कितने सरल बिना किसी ग्रंथि और तनाव के वो अपने आप को प्रस्तुत कर पाते थे। जिस प्रकार असत्य का अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार अहंकार का भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का मतलब ही है कि जो भी है और निरंतर है उसी को अस्तित्व बोलते हैं। तो असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, सत्य का ही अस्तित्व है, भले वो पहचानने में आया हो या ना आया हो। पहचानने में आने पर हम उसके आधार पर मानव जीवन के क्रियाकलाप जो है क्यों निर्धारित होने लगते हैं, नियंत्रित होने लगते हैं, संतुलित होने लगते हैं, निश्चित होने लगते हैं। इससे पहले जो है मानव जो है अपने आप को व्यवस्था की एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार अहंकार का अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि जैसे ही सत्य बोध होता है वैसे ही अहंकार का शमन हो जाता है, इसलिए असत्य और अहंकार का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। कर्तव्य की ओर अग्रेषित संवेग को स्फुरण तथा प्रेरणा एवं व्यवस्था पूर्वक प्राप्त बौद्धिक प्रयास की एवं शारीरिक चेष्टा को प्रतिक्रांति की संज्ञा है। कर्तव्य की ओर अग्रेषित संवेग को स्मरण, जैसे कि हमने पिछली बार कर्तव्य दायित्व को पढ़ा था कि कर्तव्य में मूल्य निर्वाह सहित शरीर पोषण की भी बात की गई है,
है ना, और दायित्व में जो है उसको समझदार बनाने के अर्थ में ये सारी मानव के क्रियाकलाप हैं। तो कर्तव्य की ओर अग्रेषित संवेग को स्फुरण और प्रेरणा बोला है, यही जागृति के लिए प्रेरणा है जो कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह के लिए या व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में या स्वयं को सुखी होने के अर्थ में वह पहचानता है, मानव इकाई उसको पहचानती है। एवं व्यवस्था पूर्वक प्राप्त बौद्धिक प्रयास एवं शारीरिक चेष्टा को प्रतिक्रांति की संज्ञा कहा है। अब व्यवस्था क्या है, तो जो अवधारणा के विपरीत जो भी कुछ क्रियाकलाप है वो जो प्रयास है उसको व्यवस्था का नाम दिया गया है। इसको आगे और भी बहुत अच्छे से इसी अध्याय में स्पष्ट किया गया है। श्रेष्ठता की ओर क्रांति और निष्ठता की ओर प्रतिक्रांति है। क्रांति का मतलब है अवधारणा के अनुकूल चेष्टा और स्फुरण, उसको क्रांति की संज्ञा कहा गया है। समस्या रहित अथवा समस्या के समाधान का अनुभव करने को संतुलन और समस्या सहित अथवा समस्या को उत्पन्न करने वाली क्रिया को प्रतिक्रांति या असंतुलन के नाम से अंकित किया गया है। अब समस्या रहित अथवा समस्या के समाधान को अनुभव करने को संतुलन, जैसे कि संतुलन बताया है कि संतुलन मतलब स्व सही व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी या स्वत्व को पहचान करके ही संतुलन पूर्वक मानव जो है स्थिर आचरण को व्यक्त कर पाता है और वह अपने विचार कार्य व्यवहार में संतुलित रहता है। इसके विपरीत में समस्या का प्रसवन है, मतलब इसके विपरीत में जो भी कुछ है जो शरीर मूलक विधि से मानव प्रस्तुत हुआ है आज तक, और वो इसलिए प्रस्तुत हुआ है कि उसे सत्य बोध नहीं हो पाया, अनुभव के माध्यम से सत्यता की पहचान या सत्य की पहचान नहीं हो पाई, अस्तित्व की पहचान नहीं हो पाई, जिन दो विचारधाराओं के आधार पर मानव जाति ने अपने आप को प्रस्तुत किया आदर्शवादी विचारधारा, उसमें भी वो सत्य को नहीं पहचान पाए पूर्ण रूप से, और जो भौतिकवादी विचारधारा है वह तो केवल भौतिक रासायनिक क्रियाओं का ही अध्ययन करती है, तो वहाँ भी सत्य की पूर्ण पहचान न होने के कारण समस्याओं का प्रसव हुआ। अगली जो अनुभूति है उसमें कहा गया है कि समस्या बौद्धिक तथ्य है और व्यवस्था भौतिक तथ्य है। मतलब समस्या क्या है, तो समाधान क्या, कैसे, क्या, क्यों और कैसे की आपूर्ति जो है वही समस्या है। यदि क्या, क्यों और कैसे को हम पहचान जाते हैं या किसी भी क्रिया एवं घटना के नियम की पहचान ना होना समस्या है, और किसी भी क्रिया एवं घटना एवं नियम की जानकारी ही समाधान है, तो ये एक बौद्धिक कार्य क्रियाकलाप है ना। और व्यवस्था जो है वो भौतिक क्रियाकलाप है, क्योंकि व्यवस्था में आसक्ति होती है और आसक्ति जो है वो व्यवस्था ही है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रियों के द्वारा सुखी होने का प्रयास है, वही व्यवस्था है। अगली जो अनुभूति है कि सर्वांगीण दर्शन सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान और उसके विपरीत में आरोप की संज्ञा है। जैसा कि अभी तक की व्याख्याओं में स्पष्ट ही है कि सर्वांगीण दर्शन क्या है, तो सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान और जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये तीन ज्ञान संपन्नता ही जो है वो मनुष्य में होती है, उसके बाद ही विवेक का की पहचान होती है और उसके बाद ही विज्ञान को दिशा मिलती, विज्ञान की दिशा को हम पहचान पाते हैं जो समृद्धि के अर्थ में उत्पादन के विपुलीकरण के अर्थ में मानव जाति में परंपरा के रूप में बनती है। अपरिणामवादी सत्ता सहज सह अस्तित्व की पहचान के सहित अनुभव सहज समझदारी को सत्य बोध और उसके विपरीत को भ्रम की संज्ञा है। अब ये जितने भी व्यापकता या जो अनुभव में जो भी कुछ ग्रहण किया रहता है उसको अलग अलग आयाम अलग अलग कोणों से यहाँ अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। अब यहाँ अपरिणामिता के अर्थ में कहा गया है कि अपरिणामिता अपरिणामवादी सत्ता सहज जो व्यापक है उसमें कोई परिणाम नहीं है क्योंकि वहां कोई क्रिया नहीं है, जहाँ क्रिया होती है वहीं परिणाम घटित होता है। तो अपरिणामी क्या है, तो व्यापक सत्ता ही है। व्यापक सत्ता जो है वो कैसे पहचानने में आती है, सहस्तित्व में अनुभव पूर्वक पहचानने में आती है। तो इसलिए अपरिणामवादी सत्ता सहज अस्तित्व की पहचान के सहित अनुभव सहज समझदारी, समझदारी जो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है को सत्य बोध की संज्ञा से पहचाना जाता है और इसके विपरीत जो भी कुछ है वो सब भ्रम के रूप में गण्य है।
अगला जो अनुभूति है वो तीव्र संवेग वह है जो क्रिया के रूप में अवतरित होता है ना। हम लोगों ने कारण इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं और सूक्ष्म इच्छाओं को हमने अभ्यास दर्शन में पढ़ा है। तो हम जब हमारी जो तीव्र इच्छाएं वो क्या है, जो हमारे कार्य व्यवहार को तुरंत स्पॉन्टेनियस जो हम व्यक्त होते हैं, तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में जब हम व्यक्त होते हैं वो तीव्र इच्छाओं के फलन में ही होता है। तो जब तक हम इच्छाओं की स्पष्ट पहचान नहीं कर पाते हैं ज्ञान के माध्यम से, तब तक हम जो है वो सही इच्छाओं की इच्छाएं निर्धारित नहीं होती हैं, इसलिए आवश्यकताएं भी निर्धारित नहीं होती हैं, जिसको पिछले के अध्याय में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। तो तीव्र संवेग के आधार पर मनुष्य के विचार कार्य व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। फिर संवेग का दबाव, उसकी गति एवं पिपाशा का निर्धारण इच्छा तथा प्रयोजन से नियंत्रित है। अब संवेग का दबाव यदि प्रयोजन के अर्थ में है तो वो नियंत्रित है, और यदि प्रयोजन के अर्थ में नहीं है तो वो अनियंत्रित रहता है ना। तो प्रयोजन में ही मानव का विचार कार्य व्यवहार नियंत्रित होता है, प्रयोजन की पहचान के साथ ही उसमें निश्चयात्मकता की पहचान होती है और वो त्व सही व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी की अहर्ता से संपन्न होता है। अगला जो अनुभूति है कि मानव की परस्परता में जो संपर्क एवं संबंध है वह निर्वाह के लिए, विकास के लिए तथा भोग के भेद से है। मतलब जो परस्परता इनमें यह है कि या तो संबंध निर्वाह के लिए है जो विकास और जागृति के लिए है, या भोग के लिए है। तो संबंध निर्वाह जो है वो हर परस्परता में होता है, विकास जो है वो जो गुरुओं के संपर्क में आते हैं या जो जागृत मानव के संपर्क में आते हैं उस तरीके से भी संपर्क और संपर्क है, या हम किसी को जागृत बनाने के अर्थ में किसी के साथ संबंध की पहचान करते हैं वो विकास के अर्थ में है, और भोग के भेद से भी है। मतलब चार विषयों के लिए हम जब संबंधों का नियोजन करते हैं उसको जो है भोग की संज्ञा से कहा गया है ना। चार विषयों की उपलब्धि के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं वो भोग है। जागृति के लिए जो संपर्क एवं संबंध का प्रयास है वह सामाजिकता के लिए। जागृति का जो फलन क्या है तो मानव समाज। तो सामाजिकता से कम में जागृति जो है वो सफल होती ही नहीं है, क्योंकि जागृत मानव जो है वो मानव समाज के रूप में, मानव के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो सही व्यवस्था जो है सब मानव में एक सी व्यवस्था है, जो उसका स्वत्व है सबका स्वत्व एक जैसा है। संबंध मूल्य मूल्यांकन के साथ संबंध निर्वाह की जो योग्यता है उससे वो संपन्न होता है, और संबंध निर्वाह पूर्वक वो सुखी होता है, जो कर्तव्य और दायित्व के रूप में परंपरा में हम उसको प्रमाणित करते हैं। तो संपूर्ण संबंध एवं संपर्क जो है वो सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही है। निर्वाह के लिए जो संपर्क एवं संबंध का प्रयास है वह कर्तव्य पालन करते हुए वर्तमान को संतुलित रखने के लिए, और भोगेक्षा से जो संपर्क एवं संबंध का प्रयास है वह मात्र इंद्रिय लेपसा एवं शोषण के कारण से है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भोग के लिए जो संबंध है वो इंद्रिय लेपसा के कारण है, जिसमें शोषण होता ही है, जिससे असंतुलन और समस्या वश पीड़ा होती है। मतलब यदि भोग के लिए है तो उससे असंतुलन होगा, समस्या ही होगी, और यदि विकास और सामाजिकता के निर्वाह के लिए है तो उससे संतुलन का प्रसवन होता है। जागृति के लिए किए गए व्यवहार को पुरुषार्थ, और निर्वाह के लिए किए गए प्रयास को कर्तव्य, तथा भोग के लिए किए गए व्यवहार को विवशता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी तक जो भी कुछ प्रस्तुति है उसमें ये बहुत स्पष्ट ही होता है कि मनुष्य का जो मूल प्रेरणा है वो जागृति के अर्थ में ही गति है। तो जागृति के लिए जो भी कुछ हम व्यवहार करते हैं उसको पुरुषार्थ की संज्ञा कहा गया है, और निर्वाह संबंध निर्वाह के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कर्तव्य की संज्ञा से यहाँ इंगित किया गया है, और भोग के लिए किए गए व्यवहार को विवशता के नाम से पहचाना गया है। विवशता जो है वो भौतिक तथ्य है, इसको पहले ही हम लोग इंगित इस दर्शन में इस अनुभूति के रूप में इंगित किया जा चुका है। कर्तव्य और आवश्यकता का भाव मानव में है ना। आवश्यकता की पहचान मानव में होती है, कर्तव्य की पहचान मानव में होती है, व्यवस्था की पहचान मानव में होती है, अस्तित्व की व्यवस्था को पहचानने का जो अहर्ता है वो मानव में ही है, क्योंकि मानव जो है अस्तित्व का प्रतिरूप
है ना, इस दर्शन में कहा गया है कि मानव जो है वो अस्तित्व का प्रतिरूप है, इसीलिए मानव में जीवन क्रिया भी है और भौतिक रासायनिक क्रिया के रूप में शरीर भी है। तो अस्तित्व में तीन ही क्रियाएं हैं यदि देखा जाए क्रिया रूप में, जो समूचा क्रिया संसार है, तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया है। तो शरीर में भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया देखने को मिलती है और जीवन में जो है वो जीवन क्रिया के रूप में हम देख पाते हैं। और जीवन ही जो है वो सह अस्तित्व में अनुभूत होकर के जो वास्तविकताएं भौतिक रासायनिक नहीं है उनको भी वो पहचान करके सत्व के रूप में पहचान करके मानवीयता पूर्ण आचरण के रूप में परंपरा के रूप में प्रमाणित करने की योग्यता से संपन्न होता है। कर्तव्य जो कर्तव्य संबंधों की पहचान सहित निर्वाह क्रिया जिससे निष्ठा का बोध होता है, मतलब संबंधों की पहचान जागृति होना मतलब संबंधों की पहचान होना, और वो संबंध जो है वो एक मानव समाज परिवार से लेकर के अखंड समाज तक है, पर अखंड समाज तक हम शारीरिक रूप से भागीदारी नहीं कर सकते हैं, तो फिर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य है ना, इस सब में भागीदारी करके, न्याय सुरक्षा इस सब में हम भागीदारी करके, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करके समग्र मानव जाति के साथ अपने संबंध को प्रमाणित करते हैं, इस परंपरा को बनाने में अपने तन मन धन को नियोजित करते हैं। दायित्व संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह सहित मूल्यांकन क्रिया जिससे तृप्ति का बोध होता है। जैसा कि मैंने कहा था दायित्व जो है वो समझदार बनाने के अर्थ में है या उसको जागृत करने के लिए के अर्थ में है, तो यहाँ पर केवल जीवन मतलब मानसिकता का पोषण है और कर्तव्य मानसिकता सहित शरीर पोषण भी समाया हुआ है। तो मनुष्य को जागृत बनाना, समझदार बनाना, ये यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम तृप्ति का अनुभव करते हैं। जब स्वयं में हम इस बात को समझते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, जब हम दूसरों को समझा पाते हैं तब संतोष का अनुभव करते हैं, है ना, और जब हम ये परंपरा बन जाती है तो हम उसको शांति का को महसूस करते हैं, और जब वो अखंड समाज के रूप में अवतरित हो जाती है तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, या सुख शांति संतोष आनंद इस प्रकार से प्रमाणित होता है जो अनुभव की में जीवन के लक्ष्य के रूप में पहचानने में आता है। कर्तव्य की पूर्ति है, भोग रूपी आवश्यकता की पूर्ति नहीं है, क्योंकि कर्तव्य जो है वो निश्चित है इसलिए उसकी पूर्ति संभव है। भोग जो है वो भोग बहुभोग अतिभोग के रूप में मानव अपने को प्रस्तुत करके वर्तमान तक देख ही चुका है कि वो कभी भी उससे वो तृप्ति होती नहीं है, और जिससे तृप्ति होती नहीं है उससे पूर्ति संभव ही नहीं है। तो तृप्ति जो है वो मानव का अभीष्ट लक्ष्य है, अतृप्ति जो है वो मानव का अभीष्ट लक्ष्य नहीं है। कर्तव्य की पूर्ति इसलिए संभव है कि वह निश्चित है, वह सीमित है। जैसा मैंने अभी पूर्व में ही कहा कि कर्तव्य जो है वो सीमित व निश्चित होता है इसलिए उसकी पूर्ति संभव है, और भोग रूपी आवश्यकताओं की पूर्ति इसलिए संभव नहीं है कि वह अनिश्चित एवं असीमित है। अगला जो अनुभूति है वो यह है कि यही कारण है कि कर्तव्यवादी प्रगति की शांति शांति की ओर तथा भोगवादी प्रवृत्ति अशांति की ओर उन्मुख है। मतलब कर्तव्यवादी प्रगति जो है जब हम समाज में उसको ले जाते हैं और परंपरा के रूप में बना पाते हैं तो वो शांति की ओर गति करती है, और भोगवादी प्रवृत्ति से अशांति का ही प्रसव होता है। अगला जो सूत्र है जो अनुभूति है कि समस्त कर्तव्य संबंध एवं संपर्क की सीमा में ही है। जैसे कि बार बार इन दोनों अध्याय में संबंध और संपर्क की बात आई है, तो संबंधों में जो है वो निर्वाह जो है वो अनिवार्य है और संपर्क में जो है निर्वाह वो ऐच्छिक भी रहता है। यही दोनों का अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि संपर्क में हम मूल्यों का निर्वाह ना करें, है ना, वहां पर जो कर्तव्य का निर्वाह है वो ऐच्छिक रहता है, मूल्यों का निर्वाह तो अनिवार्य होता है जो दायित्व के रूप में होता है। संवेग से ही चयन क्रिया है जो संग्रहवादी, पोषणवादी, दोहनवादी, त्यागवादी या शोषणवादी है, यह समस्त क्रियाएं आशा की प्रक्रिया में है। तो संवेग से ही चयन क्रिया है, संवेग का मतलब होता है संयोग से प्राप्त वेग। तो जैसे पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था तक, इसको भी एक संयोग से ही ये सब घटित होता है, योग संयोगों से। इसी प्रकार मानव से जब जागृत व्यक्ति के वो संपर्क में आता है तब उसमें जागृति के लिए इच्छा बनती है और वो उस ओर गति करता है, तो
इन दोनों आधारों पर ही जो चयन क्रिया संपादित होती है। तो चयन हम क्या करते हैं, हम संतुलन का चयन करते हैं या असंतुलन का चयन करते हैं, हम समस्या का चयन करते हैं या समाधान का चयन करते हैं, हम प्रगति को चयन करते हैं या हम जो है अशांति को चयन करते हैं, क्या हमारी चयन की क्या है। तो चयन की क्रिया से संग्रहवादी जो क्रियाकलाप है वो चयन के आधार पर दिखता है, जो कि समस्या को जन्म देता है। हम सब लोगों को यह स्पष्ट ही है कि प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों में संग्रह प्रवृत्ति रहती है। जब प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियां संज्ञानीयता में नियंत्रित हो जाती हैं तब वो जो है पोषणवादी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होती है। दोहनवादी, जैसे हमने अभी प्रकृति का दोहन कर लिया है ना, मानव को हम संसाधन मान करके उसका शोषण करते हैं, तो ये दोहनवादी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं। त्यागवादी या शोषणवादी, तो त्यागवादी, त्याग किसका करना है, अभी ये बोला है कि मतलब शरीर का त्याग करो, अब ये सुविधाओं का त्याग करो जो आदर्शवाद में कहा गया है ना, और भौतिकवाद में शोषण को ही अनिवार्य माना गया है क्योंकि इससे कम में भोग संभव नहीं है, सबको भोग उपलब्ध हो भी नहीं सकता, ऐसा भौतिकवादी विचार से हमको इंगित होता है। तो ये समस्त क्रियाएं, जो भी कुछ हम संग्रहवादी क्रिया करते हैं, पोषणवादी क्रिया करते हैं, या दोहनवादी जो चयन क्रिया करते हैं, या त्यागवादी करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसके मूल में क्या है, आशा है। आशा क्या है, सुखपूर्वक जीने की। तो मनुष्य की जो अभीष्ट इच्छा है वो सुखपूर्वक जीना है, लेकिन सुख के मूल स्रोत को जब तक वो नहीं पहचानता है, या जो सुख की यथार्थता को, यथार्थ स्रोतों को, वास्तविकताओं को, सत्यताओं को वो नहीं पहचानता है, तब तक वह भ्रमित या आरोपित चित्रण के साथ चलता है, जो कि संग्रहवादी, दोहनवादी और शोषणवादी होती है। और जब वह इसको पहचानता है संतुलन को, तो फिर चयन जो है वो पोषणवादी हो जाता है, और जो मूल्य मूलक विधि से व्यवस्था में मानव को प्रस्तुत करने की योग्यता से संपन्न करता है। कर्तव्य की पूर्ति के बिना मानव का जीवन सफल नहीं है, क्योंकि जागृत मानव कर्तव्य की पूर्ति करेगा नहीं करेगा ऐसा संभव ही नहीं है। तो कर्तव्य की अपूर्ति कहाँ होती है, भ्रमात्मक क्रियाकलाप में ही। तो यहाँ पर जागृति और भ्रम दोनों के अर्थ में जो है वास्तविकताओं को इंगित करने की, अनुभूतियों के अर्थ में व्याख्या की गई है। तो कर्तव्य की पूर्ति के बिना मानव का जीवन सफल नहीं है, यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि कर्तव्य जो है वो पोषण का भाग है, तो समाधान के साथ समृद्धि भी होना जरूरी है। यदि समृद्धि नहीं होगी तो मानव जो है समाज गति में अपने को न्याय के अर्थ में प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, इसलिए कर्तव्य की पूर्ति जो है उससे ही मानव का जीवन सफल होता है। भौतिक समृद्धि तथा बौद्धिक समाधान से परिपूर्ण जीवन ही सफल जीवन, मतलब एक जगह कहीं ये सूत्र भी था पहले, मुझे याद तो नहीं है कि शायद हम लोग ने जो पुरानी परिभाषा संहिता थी उसमें देखा था कि भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान से ही स्वर्गीयता है, ऐसा भी था। तो जब भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान दोनों मानव जीवन पहचान लेता है और उस अर्थ में वो अपने को नियोजित करता है जो परिवार में प्रमाणित होता है परंपरा के रूप में, तब जाकर के मानव जीवन सफल होता है, उससे कम में मानव जीवन सफल नहीं होता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन तथा सह अस्तित्व में ही भौतिक समृद्धि है तथा अस्तित्व में अनुभव स्वयं निर्भ्रमता एवं बौद्धिक समाधान। अब यहाँ पे भौतिक समृद्धि को और बौद्धिक समाधान को अनुभूति के रूप में व्याख्यायित किया गया है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन तथा सह अस्तित्व में ही भौतिक समृद्धि है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन को ही भौतिक समृद्धि के रूप में पहचाना गया है मध्य दर्शन में, और सह अस्तित्व में अनुभव स्वयं निर्भ्रमता एवं बौद्धिक समाधान में। निर्भ्रमता ही निर्भ्रम, जब हम पूर्ण तरीके से जड़ क्रिया और चैतन्य क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया के रूप में स्पष्ट हो जाते हैं, प्रयोजनों के अर्थ में इकाइयों और व्यवस्था को पहचानने लगते हैं और उनमें भागीदारी करने लगते हैं, तब बौद्धिक समाधान प्रमाणित होता है। अगला जो सूत्र है कि विज्ञान एवं विवेक का समन्वित अध्ययन तथा कर्माभ्यास ही निर्भ्रमता सहज प्रमाण है। तो विज्ञान एवं विवेक का समन्वित अध्ययन और कर्माभ्यास, तो कर्माभ्यास से जो यहाँ पर आशा है वह है उत्पादन और प्रमाणीकरण कार्य में निपुणता कुशलता का उपार्जन
और भौतिक समृद्धि सहज उपार्जन ही कर्माभ्यास है। तो कर्माभ्यास का मतलब निपुणता कुशलता का उपार्जन करना और भौतिक समृद्धि को प्रमाणित करना, ये जो है कर्माभ्यास है। और ये कैसे होता है, तो विज्ञान एवं विवेक का समन्वित, तो विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक, ये दोनों मिल करके ही इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और इन दोनों के अध्ययन से ही हमको इसकी स्पष्टता होती है। किसकी स्पष्टता होती है, तो विज्ञान की, विवेक की और कर्माभ्यास की, जो निर्भ्रमता सहज प्रमाण के रूप में हमको उपलब्ध होता है। अगला जो सूत्र है कि मानवीयता पूर्ण जीवन में आवश्यकताएं सीमित एवं मर्यादित हो जाती हैं, और अति मानवीयता पूर्ण जीवन में तो आवश्यकताएं और भी संयत हो जाती हैं। मतलब मानवीयता पूर्ण जीवन में आवश्यकताएं सीमित और मर्यादित होती हैं। परिवार में जो आवश्यकताओं की पहचान होती है, अकेले में आवश्यकताओं की पहचान करना संभव नहीं होता है। परिवार में ही आवश्यकता का निर्धारण होता है, जो कि परिवार व्यवस्था के अर्थ में है, तो वहाँ सीमित और मर्यादित रहती हैं। और अति मानवीयता पूर्ण जीवन में आवश्यकता और भी संयत हो जाती हैं, क्योंकि अति मानवीयता पूर्ण जीवन जो है वो समग्र व्यवस्था में जब भागीदारी करता है तो समाज के साथ चलता है, तो वो जो है उसको जो है अपने को वो विचार संयम से, व्यवहार संयम से, कार्य संयम से, और वो भोग और उपभोग के लिए अपने को प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि वह वो कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह के लिए और दिव्य मानवीयता जो है वो सत्य सहज दया जो करुणा के रूप में अभिव्यक्त होता है वो दायित्व के निर्वाह के अर्थ में ही होता है। इसलिए आत्मनिर्भरतापूर्ण जीवन में आवश्यकताएं और भी ज्यादा सीमित होती हैं। फिर है अगला जो सूत्र है कि जो जितना भ्रम और भय का पात्र है वह साधनों को सुखी होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। जैसे भय त्रस्त मानव आयुध पर एवं आश्रय पर, लोभ त्रस्त मानव संग्रह पर, वेश त्रस्त मानव नाश पर, अज्ञानी दूसरों को दोष देने पर, अभिमान त्रस्त दूसरों की उपेक्षा एवं घृणा करने पर ही सुखी होने का प्रयास करता है, जबकि स्वपात्रता ही सुखी एवं दुखी होने का कारण है। यहाँ पर सुख दुख समस्या और समस्या के विपरीत समाधान, इन अर्थों में ही सारी बात की गई है, क्योंकि जो न्याय न्याय धर्माधर्म सत्य सत्य न्याय की दृष्टि में अन्याय की भी स्पष्टता होती है, सत्य की दृष्टि में असत्य की भी पहचान होती है ना, तो और धर्म की दृष्टि से अधर्म की पहचान होती है। जब तक हम न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से पहचान नहीं पाते हैं, दृष्टि हमको स्पष्ट नहीं रहती है, तब तक हम इसी में ही आरोपित मान को किए रहते हैं, और न्याय न्याय अन्याय में हम अन्याय और न्याय की स्पष्ट विवेचना हम संभव नहीं कर पाते, उस स्पष्टता से हमको उपलब्ध नहीं होता है विचार के रूप में, इसलिए हम न्यायपूर्ण व्यवहार में अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इस सूत्र में कहा गया है कि जो जितना भय और भ्रम का पात्र है, मतलब जब तक हम निर्भ्रम नहीं हुए हैं तब तक मनुष्य के अंदर क्या क्रियाकलाप है वो इसमें कहा गया है कि जो जितना भय और भ्रम का पात्र है उसने साधनों को सुखी होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण माना है। अभी हम लोग ये मानते हैं, ये स्वीकारते हैं, जो भौतिकवादी विधि से रहते हैं, कि जो साधन है, जो जो सुविधाओं के रूप में है वही सुख का स्रोत है, और इसीलिए समस्त मानव जाति जो है वो संग्रहवादी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हुई, और वो उसने समस्या को जन्म दिया जो आज हमको बहुत प्रकार से दिखाई देता है। अभी वातावरण के असंतुलन के रूप में और नई नई बीमारी के रूप में, अभी जिसको हम लोग वर्तमान में सब लॉकडाउन के अर्थ में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से साधन के अर्थ में सुखी होने के लिए मानव ने जो भी कुछ किया, इससे पूरी मानव जाति कैसे संकट हुई है। तो भ्रमित मानव ही साधनों से सुखी होने को अपना जो है स्रोत मानता है। ऐसे भयग्रस्त जो मानव है वो कैसे सुखी होना चाहता है, तो वो आयुध पर, मतलब शस्त्रों पर, जो वो शस्त्र का जो प्रयोग हुआ या जो जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र बने वो भय के लिए ही, भय के निवारण के लिए, उससे मुक्ति के लिए है। तो वो सोचता है कि ये होकर के हम सुखी हो जाएंगे या हम भय से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। भय जो है, भय की जो मुक्ति है वो निर्भ्रमता में ही है ना। तो निर्भ्रमता से कम में भय मुक्त मनुष्य
होता नहीं है। लोभ त्रस्त मानव संग्रह, तो संग्रह कौन करता है, तो जो लोभ से ग्रस्त होता है ना, उसको वो संग्रह करता है। जो लोभ से ग्रस्त नहीं रहता है उस संग्रह की ओर गति नहीं करता है। द्वेष त्रस्त मानव नाश कर, जिसको काम क्रोध लोभ मद और मात्सर्य इस रूप में बोला है ना, ईर्ष्या द्वेष इसके रूप में भी मध्य दर्शन में सबकी बातें हुई हैं। तो द्वेष त्रस्त मानव जो है वो जो अपने से आगे जिसको देखता है उसके नाश की ही कामना करता है, यही द्वेष के रूप में परिभाषित है मध्य दर्शन में। और अज्ञानी जो है वो दूसरों को दोष देता है। तो इसको जो है हम लोग हीनता के रूप में भी पहचान पाते हैं कि जब अपने दुखों को दूसरे से दूर कराने की जो प्रवृत्ति है, तो अज्ञानी मनुष्य जो है वो ज्ञान पूर्वक ही दुखों से मुक्त हो जाता है, इस बात को समझ नहीं पाता है, वो तो दूसरों को अपने दुख के लिए स्रोत के रूप में दोष देता रहता है। अभिमान त्रस्त दूसरों की उपेक्षा एवं घृणा करने पर ही सुखी होने का प्रयास करता है। अभिमान त्रस्त मनुष्य जिसने अपने को अपनी मौलिकता को नहीं पहचाना है वो अभिमान से ग्रस्त रहता है। तो जो रूप पद धन बल के रूप में, रूप बल के रूप में, पद बल के रूप में हमको देखने को, धन बल के रूप में देखने को मिलती है और बाहुबल के रूप में भी देखने को मिलती है। तो अभिमान त्रस्त मानव जो है वो घृणा करने पर और उपेक्षा करने पर ही सुखी होता है। इसीलिए वो घृणा और उपेक्षा क्या है, घृणा और उपेक्षा जो है वो स्वयं के स्वस्वरूप की पहचान ना होने के कारण वो जो है अभिमान से ग्रस्त होता है। और जो आरोपित मान जैसे रूप बल, पद बल, धन बल, बाहुबल के आधार पर अपने को व्यक्त करता है तो वो दूसरों से घृणा और उपेक्षा ही करता है। ये सारे क्रियाकलाप जो है वो भ्रमित मानव के क्रियाकलाप है। जबकि हमको मध्य दर्शन के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि स्वपात्रता ही सुखी एवं दुखी होने का कारण है। मनुष्य के अंदर जो क्षमता, योग्यता और पात्रता है ना, तो क्षमता समस्त मानवों में समान है और योग्यता और पात्रता जो है वो वातावरण, अध्ययन और संस्कार के फलस्वरूप विकसित होती है। तो क्षमता तो पूरी है लेकिन क्षमता की पहचान जो है वो पात्रता के विकास के साथ होती है और योग्यता की प्रकाशन जो है वो पात्रता के विकास के साथ ही होता है। इसलिए मनुष्य को जब यह विश्वास हो जाता है कि उसके सुखी होने का समस्त कार्यक्रम जीवन में ही निहित है, तब वह जाकर के अपनी मौलिकता को पहचानने के अर्थ में अपनी स्वशक्तियों का नियोजन करके निर्भ्रम होकर के सुखी होने के हर्ता से संपन्न होता है। वातावरण एवं अध्ययन सुपात्र अथवा कुपात्र बनाने में सहायक है। अब ये सूत्र यहाँ पर जो दिया गया है कि वातावरण अध्ययन एवं अध्ययन, तो इसमें मानव दर्शन में एक सूत्र और भी कहा गया है कि मनुष्य गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर लेकर जन्मता है। मतलब अभी जो आदर्शवादी और भौतिकवादी विधि से मानव जिया है उसमें वो निर्भ्रम नहीं हो पाया और स्वपात्रता को पहचान नहीं पाया है। इसलिए ये जो वातावरण है और जो उसमें जो अध्ययन मनुष्य ने अपना अध्ययन किया, जो शरीर मूलक रहा उसमें वो वास्तविकता को पहचान नहीं पाया, इसलिए वो सुपात्र भी नहीं बन पाया। तो सुपात्रता और कुपात्रता जो है वातावरण अध्ययन के आधार पर ही उपलब्ध होता है। हर एक मानव पात्र है लेकिन वो कब है, जब उसको यथार्थता, सत्यता और वास्तविकता का ज्ञान हो और वो विवेक विज्ञान ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्न विधि से अपने विचार कार्य व्यवहार को निरंतरता के अर्थ में प्रस्तुत कर पाए, तब वो अपनी पात्रता के रूप में मौलिकता के अर्थ में प्रस्तुत हो पाता है और वो मानव परंपरा का एक इकाई के रूप में धारक वाहक होता है। इसके बाद जो अंतिम अनुभूति और सूत्र इस अध्याय की है कि मानवतापूर्ण व्यवहार, उत्पादन, अध्ययन, कार्य व नीतियों में पारंगत होने पर ही मानव सुखी होता है। अब सुखी होने का जो स्रोत स्वपात्रता है वो क्या है, उसको यहाँ पर और भी अच्छे से कहा गया है कि मानवतापूर्ण व्यवहार। मानवतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है, नहीं तो यदि व्यवहार न्याय पूर्वक व्यवहार नहीं हुआ है वो मानवतापूर्ण व्यवहार नहीं है। तो मानवता की पहचान यानी व्यवस्था में मानव जब अपने को देख पाता है, मौलिकता के रूप में जब मन हो जाते हैं, तो मानवतापूर्ण व्यवहार के माध्यम से ही वह प्रस्तुत होता है। तो
तो स्वपात्रता से प्रस्तुत हो पाता है। उत्पादन में भागीदारी करके श्रम को अपने श्रम को नियोजित करके समृद्धि को प्रमाणित करता है और व्यवहार से वो समाधान को प्रमाणित करता है या न्याय को प्रमाणित करता है। अध्ययन पूर्वक वो वास्तविकताओं के को पहचानता है और वो पात्रता को पहचान पाने में समर्थ होता है। कार्य व नीतियों में पारंगत होने पर ही मानव सुखी होता है। नीतियां जो है वो धर्म नीति और अर्थ नीति ही है जो राजनीति के रूप में भी पहचानी गई है। तो कार्य क्या है? प्रकृति मानव का जो श्रम जो है वो जब प्रकृति पर उत्पादन में नियोजित होता है उसको कार्य कहा गया, और जब वही श्रम जो है वो मानव के साथ संबंधों के निर्माण में नियोजित होता है उसको व्यवहार कहा गया है। तो मानव दो जगह उसके संबंध है, एक प्रकृति के साथ और एक मानव के साथ। तो इन दोनों में जब वो स्वपात्रता को अर्जित कर लेता है तब उसके सुखी होने के निरंतर स्रोत को वो पहचान पाता है और वो मौलिकता के साथ अपने को प्रस्तुत कर पाता है। तो आज ये अध्याय सात यहाँ पर पूरा हुआ। अभी कितना समय बचा है? 47 मिनट्स हो गए। हाँ, 15 मिनट बचे हैं। तो इसमें राकेश भाई का एक हमारे से अनुरोध था, उन्होंने लिखा भी है इस प्रश्न को कि कर्म का जो है जो सिद्धांत है वो पूर्व के जो हमारे शास्त्र हैं जो वेदों में और जो हमारे ग्रंथों में उपनिषदों में और बौद्ध में या जैन मत में जिस प्रकार से व्याख्या किए गए हैं उसका तुलनात्मक वो व्याख्या चाहते थे। तो मैंने तो बहुत परंपरा का अध्ययन नहीं किया है, मैंने केवल मध्य दर्शन का अध्ययन किया है। परंपरा का थोड़ा बहुत ज्ञान पाठक जी के माध्यम से मुझको है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसके लिए पात्र व्यक्ति नहीं हूँ। तो पाठक जी यहाँ हैं और अब आगे की जो प्रस्तुति है उसको पाठक जी संक्षेप में रखेंगे क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है। प्रश्नों के उत्तर कुछ तो मैंने वहाँ पर दे दिए हैं और कुछ जो बचे हैं यदि समय बचेगा तो मैं दे दूंगी, नहीं तो फिर मैं उस जो आपको जैसे मैंने अभी टेलीग्राम में उत्तर लिख दिया है वैसे मैं लिख भी दूंगी है ना। और उसको तो कल तुम ही बता देना। तो कल चूंकि अभी पाठक जी प्रस्तुत हो रहे हैं तो हो सकता है समय समाप्त हो जाए क्योंकि तुलनात्मक वो व्याख्या रखेंगे। तो कल का जो सत्र है सुबह का सत्र वो योगेश भाई लेंगे। योगेश शास्त्री जी मुझे नहीं लगता कि वो परिचय के बहुत उनको परिचय की जरूरत है क्योंकि जो लोग अधिक लोग जो छोटी गए हैं वो उनको पहचानते ही हैं। योगेश भाई को मैं पिछले 10-15 वर्षों से जानती हूँ और वो जिस निष्ठा के साथ दर्शन में लगे हुए हैं और ना केवल उसको समझने के अर्थ में बल्कि परंपरा बनाने के अर्थ में भी अछोटी में उनका निवास है और जो उनकी जो डिग्री है, यदि मैं इस प्रकार की जो फॉर्मल एजुकेशन उसको बहुत महत्व मुझे नहीं लगता मध्य दर्जा समझने के बाद से, मुझे पहले भी नहीं लगता समझने के बाद तो और भी स्पष्ट हो गया। वो उन्होंने बीई किया है सिविल से, तो ये उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है और जो वास्तविक एजुकेशन है उसको प्रमाण परंपरा और धारक वाहक बनने के अर्थ में उन्होंने अपने तन मन धन सबको अछोटी में नियोजित किया गया है, यही उनके वास्तविक जो है वो परिचय है। इसके साथ धन्यवाद आप सभी को, आपने सुना, फिर कभी आपसे मुखातिब होंगे तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए पाठक जी आपके साथ प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। ये मुद्दा इतना छोटा सा नहीं है कि इसको हम 5-7 मिनट में जो है आप तक कम्युनिकेट करें, लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। एक तो पूरी जो वैदांतिक परंपरा है उसमें कर्म और फल को व्यक्तिवादी तरीके से देखा गया है, यानी एक व्यक्ति कुछ काम करता है उसके काम में यदि वेद के अनुसार उसके कर्म नहीं है तो उसको जो है पाप कर्म बोला गया है और वो पाप कर्म का फल जो है उसमें से कुछ का फल यहीं भोगना पड़ता है और कुछ का फल जो है नरक में भोगना पड़ता है। इस तरीके की परिकल्पनाएं जो हैं मूल रूप से हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन जब हम मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद को देखते हैं तो मध्यस्थ दर्शन में मानव एक इकाई है। मानव एक इकाई है का मतलब जब हम सर्व मानव को एक इकाई के रूप में ज्ञानावस्था की एक अवस्था के रूप में देखते हैं
उस अर्थ में ज्ञानावस्था एक इकाई है, तो ज्ञानावस्था की इकाई जो भी कर्म करती है और उसके जो फल परिणाम है उसका विश्लेषण जो है यहाँ पर कर्म फल के रूप में व्यवहार में है ना, इसको स्पष्ट किया गया है। क्योंकि ये जो दर्शन है ये मानव व्यवहार दर्शन है, तो अनुभव दर्शन जो है ज्ञान का हिस्सा है, और जो व्यवहार दर्शन कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन है वो क्रमशः विज्ञान और विवेक से संबंधित है। तो विज्ञान और विवेक जो है ज्ञान को प्रमाणित करने के अर्थ में, तो सर्व मानव का जो आचरण है जिसको हम लोग मानवीय आचरण भी कहते हैं, सर्व मानव का आचरण अनुभव में स्पष्ट होता है, अनुभव पूर्वक मानव परंपरा में व्यवहार और कार्य के रूप में स्पष्ट होता है। तो उस अर्थ में कर्म और फल की बात की है ना, तो इसीलिए बाबा जी बार बार ये कहते हैं कि भाई इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है ना, प्रमाण नहीं मिला मतलब यदि कर्म की कुछ व्याख्याएं की भी गई हैं, जैसे वेद में ये कहा गया कि नित्य प्राश्चित नैमित्तिक उपासना और निषिद्ध रूप में कर्म होते हैं, यदि इन कर्मों को लोग करते हैं तो उससे वो मोक्ष आदि के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्म को मानव परंपरा में समझने का प्रयास किया गया है। ये बात ठीक है कि उसमें कर्म में कर्ता के रूप में तो जीवन ही होगा, भोक्ता के रूप में भी जीवन है, समझने वाला दृष्टा भी जीवन है, लेकिन वो जो करता है तो जब वो करता है तो क्या करता है, तो एक वो व्यवहार करता है और दूसरा वो कार्य करता है। तो व्यवहार का मतलब है मानव परंपरा में परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो भी मानव में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है उसके अर्थ में मानव जो है कर्म करता है। दूसरी बात ये कही गई कि जो मानव समृद्धि के लिए करता है, परिवार सहज उत्पादन से लेके विश्व परिवार तक समृद्धि की निरंतरता को बनाए रखने के अर्थ में, तो ये जो मानवीय आचरण के आधार पे जो कर्म है उसकी जो व्याख्या है वो इस अध्याय 6 में कर्म फल के रूप में दी गई है। तो जो परंपरा में ऐसा है कि इसका फल जो है वो आपको मरने के बाद जो है वो नरक में मिलेगा या स्वर्ग में मिलेगा, या कुछ ऐसा भी है कि यदि आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म का मतलब है वेद विहित कर्म, वेदों में जैसा कहा गया है वैसा कर्म करते हैं, तो आपको मरने के बाद कोई मोक्ष नाम की कोई रहस्यात्मक कोई उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो उपलब्धि की बात की है यानी जिसको हम फल कह रहे हैं उसकी बात की गई है, वो मानव परंपरा में ही होगी, जिसको हम लोग न्याय धर्म सत्य में जीना कह रहे हैं, जिसको हम समाधान समृद्धि अवैध अस्तित्व कह रहे हैं ना, तो ये क्रमशः समाधान समृद्धि व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में प्रमाणित होती है। तो इसलिए मध्यस्थ दर्शन में कर्म को व्यक्ति की सीमा से निकालकर इसको सर्व मानव के कर्म फल के रूप में परिभाषित किया गया है, एक ये दृष्टिकोण है। जैसे ये दर्शन है उसी प्रकार से शास्त्र है, जैसे मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान सर्व मानव का जो आचरण है उसको व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, उसको परिभाषित करता है, उसको समझाता है। इसी तरीके से जो सर्व मानव का आचरण है उस आचरण पूर्वक मानव परिवार में समाज में कैसे जी सकता है, जिसको हम लोग व्यवहारवादी समाज शास्त्र में समझते हैं। तो व्यवहारवादी समाज शास्त्र जो है जो मानव का जो मानवीय व्यवहार है उसकी व्याख्या करता है, मानव अपने व्यवहार को है ना व्यक्ति से लेके व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में या परिवार से लेके विश्व परिवार तक व्यवहार की निरंतरता को किस तरीके से पहचान सकता है, उसमें जी सकता है, उसकी व्याख्याएं जो है व्यवहारवादी समाज शास्त्र में है। इसी तरीके से जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है वो कार्य से संबंधित है, क्योंकि मानव जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में, इसलिए जीवन का पोषण संरक्षण भी एक कार्यक्रम है। इसलिए बाबा जी ने कार्य के रूप में उत्पादन कार्य को जो है वो व्याख्यायित किया है। उत्पादन कार्य को कैसे परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो है नियोजित करना है, और उत्पादन कार्य पूर्वक जो परिवार और परिवार समूह या गांव में जो समृद्धि आती है उसको सदुपयोगता विधि से कैसे समृद्धि की सुलभता को सुनिश्चित करना है, इसके लिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र जो है। तो यदि पूरे डिजाइन को देखें तो इसमें से एक हिस्सा ज्ञान का है, दूसरा हिस्सा जो है वो व्यवहार का है, तीसरा हिस्सा जो है जो कार्य का है। तो
तो ये तीनों को मिला के हम कर्म कह रहे हैं, है ना। कर्म का मतलब ज्ञान से संबंधित बौद्धिक कर्म, व्यवहार से संबंधित जो है सामाजिक कर्म, और जो उत्पादन आदि से संबंधित जो प्राकृतिक कर्म है, इन तीनों को मिला के ही हम लोग ज्ञान विवेक और विज्ञान के रूप में पहचानते हैं। किस रूप में, जो मानव व्यवहार दर्शन में कर्म फल को व्याख्यायित किया गया है। अभी समय लगभग पूरा हो गया, 4 मिनट बचे हुए, तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मैं जो राकेश भाई जी ने पूछा है कि जो वेदांतिक परंपरा में कर्म और कर्म के नियमों को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो मैं 1-2 दिन में इसके ऊपर एक आलेख लिखकर, है ना, इसमें जो टेलीग्राम है इसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। और जो बौद्ध परंपरा है या जैन परंपरा है, जैसे जैन परंपरा में ऐसा कहा गया कि कर्म जो है वो आत्मा में चिपक जाते और फिर सारी साधनाएं जो है उनको कर्म से मुक्ति पाने के, यानी निर्जरा करने के लिए जो है साधनाएं करते हैं। तो कर्म जो है कैसे बंधन बनता है, ये बौद्ध भी मानते थे, वेदांत भी मानते थे कि कर्म का बंधन होता है, लेकिन इस बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसमें जो भी मुक्त होने की जो विधियां हैं वो सारी विधियां योग तप दप आदि के रूप में ही हैं, जिनको हम लोग भक्ति विरक्ति की विधियां कहते हैं। और इस भक्ति विरक्ति की विधियों में जो जिसको हम पाना चाहते हैं, यानी ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, परलोक, है ना, आदि आदि जो भी चीज़ों को, मोक्ष, ये सब चीज़ें रहस्य में पड़ी ही नहीं, इनकी स्पष्टता हमको परंपरा में देखने को नहीं मिलती है। तो इन उपासनाओं से पाने वाली वस्तु हमको परंपरा में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर जब हम कर्म और फल को पढ़ रहे हैं तो हमको कर्म भी स्पष्ट है और कर्म का जो फल मानव परंपरा में क्या हो सकता है, जिसमें हम जी सकते हैं, वो भी स्पष्ट है। इसी को कहते हैं अध्ययन की रोशनी, है ना, अनुभव की रोशनी। अनुभव की रोशनी में जागृत मानव के द्वारा हमको जागृत मानव परंपरा में सारा कर्म और उसका फल स्पष्ट रहता है। तो इसलिए अनुभव की रोशनी में अध्ययन करने से हम कर्म फल के सिद्धांत को आत्मसात कर सकते हैं और इस कर्म फल के सिद्धांत पूर्वक हम मानव के व्यवहार को और मानव के आचरण कार्य को नियमित नियंत्रित कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको 1-2 दिन में, 3 दिन में जो है इस पे पूरा एक आलेख जो है भेज दूंगा, उसको पढ़ने से आप तुलनात्मक रूप से इसको समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी समय मिलेगा तो और विस्तार से बात करेंगे।